की बात हो चुकी थी ए इनवर्स तक, यानी कि पिछला लेक्चर 4, 1, 3, 9, तो ये बिल्कुल आपका फॉर्मूला हो जाता है एडजॉइंट ए अपॉन मॉड, यानी कि सिर्फ सवाल नहीं बनेंगे इससे। अगर आप सवाल निकालना चाहते हो तो यानी कि यहाँ पर x इज इक्वल टू आ रहा है नल मैट्रिक्स दैट इज नॉन सिंगुलर, आपको सिखाया गया होगा। मैं इधर आ जाता हूँ वापस। देखिए आपके पास कोई मैट्रिक्स होगा, पूरा अच्छा चैप्टर है, बहुत आसान है और आप कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? तो वापस आप लोगों का स्वागत है चैनल में और हम पढ़ रहे थे मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारी बात हो चुकी थी ए इनवर्स तक, यानी कि पिछला लेक्चर जो हमने अपलोड किया है वो है एडजॉइंट ए से लेकर ए इनवर्स तक की पूरी कहानी को कवर करता है। देखिए बेसिकली ये पूरा चैप्टर अगर आप देखें इसको आप तोड़ सकते हैं। जब भी हम मैट्रिक्स पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले मैट्रिक्स क्या होता है बेसिक मैट्रिक्स का जानते हैं, उसके बाद टाइप्स मैट्रिक्स के जानते हैं, मैट्रिक्स के क्या क्या टाइप होते हैं, फिर उसकी कुछ खास प्रॉपर्टीज़ जैसे ट्रेस क्या होता है मैट्रिक्स का, फिर ट्रांसपोज कैसे लेते हैं मैट्रिक्स का, ट्रांसपोज की अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ट्रांसपोज के आधार पर हमारे बहुत सारे मैट्रिक्स निकल के आते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स आया था, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आया था, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आया था, ठीक है। तो अगर आपने पिछले लेक्चर कवर किए हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रीवियस ईयर जेई के सब क्वेश्चंस करने में आप बिल्कुल सक्षम होंगे। और आज हम पढ़ेंगे हमारे चैप्टर का लगभग सेकेंड लास्ट लेक्चर मानिए या लास्ट लेक्चर मानिए, ये मैट्रिक्स बिल्कुल, ये लेक्चर बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। किसी भी टॉपिक का जो एंड पार्ट होता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वहीं से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, चाहे आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं। सबसे अंत का लगभग समझ लिए, अंत से थोड़ा सा कम। तो जैसे कि इस चैप्टर में सबसे पहले आता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्योंकि क्या है हम जो भी चैप्टर पढ़ते हैं उसका अप्लीकेशन पार्ट, कोई भी टॉपिक समझते हैं उसका अप्लीकेशन पार्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम के लिए। तो आप उसका अप्लीकेशन अगर करना जानते हैं तो आप इसका मतलब उस चैप्टर की आपको अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, वो टॉपिक आपको अच्छे से आता है। तो जैसे आज हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स में हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, फिर हम देख सकते हैं रैंक क्या होता है, फिर हम देखेंगे एक छोटी सी थ्योरम है हमारे पास कैले हैमिल्टन थ्योरम, और फिर कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो बिल्कुल ये बिल्कुल अप्लीकेशन पार्ट आप समझिए मैट्रिक्स का है, जितना भी यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, और यहाँ तक हम पहुँचेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको डिटर्मिनेंट में बिल्कुल परफेक्ट होना है। डिटर्मिनेंट को बिल्कुल भी, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स आपने पढ़ा होगा, उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी होंगी, तो बिल्कुल उसको लाइटली मत लीजिएगा प्लीज़, है ना। क्योंकि अगर आपको डिटर्मिनेंट नहीं आता, और कुछ स्पेशल डिटर्मिनेंट थे जिनके रिजल्ट्स आपको याद होने चाहिए, क्योंकि बार बार घुमा फिरा कर वही सवाल पूछते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय नहीं निकालते। जैसे कि सबसे पहले आज एक क्वेश्चन लगाया है, ठीक है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, एक डिटर्मिनेंट दे दिया है, क्यों लगाया है? रीज़न यही है कि आप डिटर्मिनेंट को बिल्कुल हल्के में ना लें, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, और इसमें है कुछ ज़्यादा नहीं, आप थोड़ा भी ध्यान देंगे तो आपको डिटर्मिनेंट आ जाएगा, ठीक है। डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन क्या होता है और डिटर्मिनेंट की अपनी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, और कुछ स्पेशल डिटर्मिनेंट जिनकी वैल्यूज, जिनकी आपके डायरेक्ट रिजल्ट्स याद होने चाहिए। मैंने टोटल 6 रिजल्ट्स लिखवाए आपको पिछले लेक्चर्स में। तो जैसे कि हमारे सामने सवाल है, तो एक प्रॉपर्टी होती है, यहाँ से कह रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एक्स आप बताइए जिसके लिए ये डिटर्मिनेंट 10 के बराबर हो जाए। तो एक प्रॉपर्टी होती है, अगर किसी भी रो या किसी भी कॉलम में दो लोग एडिशन आ रहे हैं तो आप इसको दो डिटर्मिनेंट में तोड़ सकते हैं। तो बिल्कुल, तो इसका मतलब प्रॉपर्टीज अगर आपको आती हैं तो आपके लिए सवाल बहुत ही आसान है। कैसे करेंगे? देखिए पहले तो यहाँ पर कॉमन मिल रहा है, जैसे कि एक्स, और यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन मिल रहा है, यानी कि टोटल एक्स क्यूब कॉमन ले लेते हैं। फिर उसके बाद आपको दिख रहा होगा 1, 2, 3 एंड यहाँ पर 1, 4, 9 और यहाँ पर 1+x³ और 1+8x³ एज इट इज और 1+27x³, ठीक है, इज इक्वल टू 10 चल रहा है। अब हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं कि हम इसको दो डिटर्मिनेंट में स्प्लिट कर देते हैं। एक्स क्यूब आपका अभी भी बैठा है, आप इसको दो डिटर्मिनेंट में स्प्लिट करेंगे तो मैं कुछ इस प्रकार से लिख देता हूँ। एक डिटर्मिनेंट बनेगा आपका 1, 1, 1, 2, 4, 1, 3, 9, 1, ठीक है, बिल्कुल। प्लस अगला डिटर्मिनेंट बनेगा इसी के अंदर 1, 2, 4, ठीक है, अगला आप ये एलिमेंट उठाएंगे तो 1, 4, 9 एक्स क्यूब 8x³ और 27x³। मैं थोड़ा चालाकी से एक काम करता हूँ, एक्स क्यूब भी बाहर निकाल लेता हूँ, तो पीछे लिखूँ या आगे लिखूँ बात एक ही है, किधर भी लिख लीजिए। तो मैं एक्स क्यूब भी यहाँ से कॉमन आ रहा है तो लास्ट में बच रहा है 1, 8, 27 और यहाँ पर भी एक्स क्यूब और ये खत्म हो गया, या ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 10। तो बिल्कुल यहाँ तक आप अगर पहुँच गए हैं तो आपको कुछ रिजल्ट्स याद रखने चाहिए। रिजल्ट्स कौन है सर? रिजल्ट्स आपके कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे कि एक डिटर्मिनेंट होता था, मैंने पढ़ाया है लेकिन फिर भी मुझे बता देना चाहिए। रिजल्ट्स डायरेक्ट आपको याद रहेंगे तो आपका बहुत ही आसानी से क्वेश्चन बन जाता है।
ठीक है, ट्रांसपोज कई बार ऐसे भी होता है और वैसे भी डिटर्मिनेंट को ट्रांसपोज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। रिजल्ट साइक्लिक क्रम में चलता है, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, ठीक है, जेड माइनस एक्स। इसी प्रकार दूसरा भी एक रिजल्ट है, मैट्रिक्स देख, डिटर्मिनेंट देख लेते हैं। अच्छा, वन वन उसमें भी है, टू फोर, यस बिल्कुल। अब अगर अगेन सेम, फिर से वन वन वन, और यहाँ पर स्क्वेयरिंग दे दिया किसी ने, एक्स स्क्वेयर, वाई स्क्वेयर और जेड स्क्वेयर, और क्यूबिक कर दिया, तो ये भी आप रिजल्ट याद रखिएगा, ये रिजल्ट भी साइक्लिक क्रम में चलता है, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स और एक्स प्लस वाई प्लस जेड, बस एक एक्स्ट्रा आ जाता है। तो ये दो रिजल्ट्स आपके याद होने चाहिए। ये छह रिजल्ट जो मैंने टोटल लिखवाए हैं उनमें से दो रिजल्ट यही है। तो आप देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, तो क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आप इसकी डायरेक्ट वैल्यू एक ही लाइन में कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, एक्स क्यूब हो जाएगा ब्रैकेट। आप इसकी वैल्यू कैसे लिखना चाहेंगे, एक्स माइनस जेड, एक्स वाई जेड, ठीक है, इस प्रकार से। तो एक्स माइनस जेड आप लिख लीजिए टू माइनस फोर, ठीक है, प्लस इंटू इंटू फोर, एक मिनट वन देख लेते हैं पहले। हाँ, रिजल्ट कुछ इस प्रकार है, एक्स का एक्स स्क्वायर है, वाई का वाई स्क्वायर, अच्छा इसका स्क्वायर, इधर क्यूब, देख लेते हैं बैठ रहे हैं कि नहीं, दोनों बैठ रहे हैं। टू का स्क्वायर, अच्छा इधर दिया है, टू स्क्वायर फोर, थ्री का स्क्वायर, यानी कि इन्होंने कुछ इस प्रकार से लगाया, वन वन वन, वन टू थ्री, तो यानी कि एक्स वाई जेड आपके ये हैं, ठीक है, एक्स वाई जेड आप कंपेयर करेंगे तो ये प्रकार से हैं। तो वन माइनस टू, टू माइनस थ्री और थ्री माइनस वन, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लें, देखें कितना आ रहा है, माइनस वन माइनस वन और ये हो जा रहा है टू, बिल्कुल ठीक है, टू हो जाएगा। चलिए अच्छा अगला देखते हैं, प्लस एक्स क्यूब टाइम्स, एक्स क्यूब टाइम्स ये क्या हो जाएगा, इसमें भी, इसमें कैसा है, रुक जाओ एक मिनट, वन टू फोर, ठीक है, टू फोर का स्क्वायर फोर और इधर क्यूब, यानी कि इधर की तरफ क्यूब लगे, यानी कि यहाँ स्क्वायर है, ये जैसा मैंने लिया उसका ट्रांसपोज करके लिया इन्होंने। तो आप फिर से इसको लिख सकते हैं, इसको कैसे लिखेंगे, एक्स क्यूब इंटू अगेन वन माइनस टू, इंटू में चल रहा है टू माइनस फोर और फोर माइनस वन, ठीक है, एंड ब्रैकेट में वन प्लस टू प्लस फोर और ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू टेन, ठीक है। क्या आप यहां तक पहुंच जाएंगे, अब थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए इसके बाद। तो एक्स क्यूब ब्रैकेट में ये साइड टू बच बन गया था हमारा, टू प्लस एक्स क्यूब, इधर देख लेते हैं तो माइनस वन माइनस टू और थ्री, माइनस वन माइनस टू हो गया टू, थ्री टू जा सिक्स और ये कितना हो गया, थ्री टू जा सिक्स और चार दो छः एक सात, फोर जा हो रहा है, रुक जाओ एक मिनट, वन प्लस टू प्लस थ्री, ये कुछ गड़बड़ हुआ है भाई यहाँ पर, थ्री नहीं था यहाँ फोर आ गया है, गड़बड़ हो गया है, थ्री लिख लीजिए भाई, ये थोड़ा मिस्टेक हुआ है, मैं थोड़ा करेक्ट कर देता हूँ यहाँ से। तो वन माइनस टू और यहाँ टू माइनस थ्री और थ्री माइनस वन और वन प्लस टू प्लस थ्री, अब सही है, ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू टेन। आइए यहाँ तक टू तक सही था, एक्स क्यूब के साथ देख लेते हैं, माइनस वन माइनस वन तो अभी हो गया प्लस वन और टू और ये तीन दो पाँच और ये छः छः दो बारह, तो इंटू बारह इज इक्वल टू टेन, यहाँ तक पहुँच जाएंगे। देखिए बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं, ये रिजल्ट था, ये भी रिजल्ट था, अभी अभी पीछे देखा। तो आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, तो मुझे लग रहा है मुझे एक्स क्यूब को कुछ मान लेना चाहिए, टी वगैरह, तो लेट एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी और एक क्वाड्रेटिक जैसा फील दे रहा है, तो बिल्कुल हो जाएगा टू टी प्लस बारह टी स्क्वेयर, ठीक है, एक्स क्यूब का स्क्वेयर इज इक्वल टू टेन, टू कैंसिल कर देंगे आप तो ये हो जा रहा है, कितना हो जा रहा है, सिक्स टी स्क्वेयर प्लस टी माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो, टू कैंसिल होगा, आप फैक्टर कर सकते हैं इसके, तो फैक्टर हो जाएंगे सिक्स टी स्क्वेयर प्लस सिक्स टी माइनस फाइव टी, क्या यही फैक्टर हैं, देख लेते हैं एक मिनट, सिक्स टी छः पच्चे तीस, छः पच्चे तीस, ठीक आ रहा है, आ तो रहा है, तो सिक्स का टी कॉमन लेंगे तो टी प्लस वन, माइनस फाइव कॉमन लेंगे टी प्लस वन, तो अगले तरफ चल रहे हैं हम। तो ये आप रिजल्ट्स लिख लिए थे क्या यहीं पर, है ना, ये रिजल्ट्स हमने इस क्वेश्चन में यूज़ किए हैं, तो ये रिजल्ट्स मैंने पहले भी लिखवाए हैं। तो फाइनली आपका यहाँ से फैक्टर क्या बन रहे हैं, फैक्टर बन रहे हैं सिक्स टी कॉमन, अंदर बच गया टी प्लस वन, तो सिक्स टी कॉमन टी प्लस वन, अगला माइनस फाइव शायद कॉमन आ रहा है और अंदर भी टी प्लस वन ही बनना चाहिए, तो फाइव कॉमन है टी प्लस वन, बिल्कुल, तो टी प्लस वन, अगेन आप इसको किसके बराबर रखना है, तो जीरो के बराबर रखना है, तो टी प्लस वन बाहर, फाइनली सॉल्व कर लेंगे,
तो यहाँ से हमें शायद नंबर ऑफ वैल्यूज पूछ रहे थे कि कितनी होंगी, तो यहाँ से आ रही है टी की एक वैल्यू आ रही है -1 है कि नहीं, एंड एक टी की वैल्यू आ रही है 5/6, ठीक है सबको दिख रहा है, लेकिन हमें तो एक्स निकालना था और टी है x³ -1 और ये हो जाएगा x³ = 5/6। तो कई लोग अगर देखें तो ये एक आपकी देखी हुई इक्वेशन है अगर आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि ये हो जाएगा x³ = ठीक है -1, तो टी x³ + 1 इधर आप ले आए अगर इसको, तो x³ + 1³ हो जाएगा = 0। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, x+1 x² - x+1 = 0। इसके दो रूट होते हैं -ω और -ω² तो ये इमेजिनरी रूट्स हैं, तो एक ही रूट यहाँ से रियल मिल रहा है हमें, दैट इज x = -1 और यहाँ से क्या आएगा कि x = 5/6 / 1/3, ठीक है। इज इट क्लियर, क्योंकि ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी यानी कि इमेजिनरी रूट्स यहाँ से आ रहे थे, तो यहाँ पर आपको दो रियल रूट्स मिल रहे हैं, 1 और 2, तो दो रियल रूट्स हैं। हमें सवाल में क्या पूछा गया था, सवाल में पूछा गया था द टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एक्स लाइज इन आर फॉर विच दिस इज इक्वल टू 10, तो फिर ठीक है दो रियल वैल्यूज आ रही हैं। तो बिल्कुल ऐसे सवाल आपके डिटर्मिनेंट के पूछे जाते हैं, आप थोड़े डिटर्मिनेंट के रिजल्ट्स याद कर लीजिए, बस इतना बोलना था। चलिए आगे चलते हैं, तो अब हम आगे देखते हैं हमारा कुछ ए इनवर्स तक पहुंच गए थे हम, तो एडजॉइंट ए से लेकर कहानी मेरी हमने पहुंचा दी थी ए इनवर्स तक, तो ए इनवर्स आप समझ गए हैं कैसे निकाला जाता है। तो मैं याद दिला दूं आपको कि हमने एडजॉइंट में एक सबसे खूबसूरत प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू मॉड ए आई, ये बिल्कुल ये प्रॉपर्टी बहुत काम की है, यहीं से हमने ए इनवर्स निकाला था। कैसे निकाला था, तो हमने इसमें ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया था दोनों तरफ, याद है आपको, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई, दोनों तरफ अगर हम ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें तो देखते हैं क्या बनता है। तो आपको याद होगा कि ए इनवर्स इंटू ए आई होता है, या फिर ए इनवर्स ए इंटू ए इनवर्स, दोनों ही एक ही होते हैं, यानी कि प्री और पोस्ट मल्टीप्लाई अगर आप खुद का ए का उसी के इनवर्स के साथ करते हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स देता है। यहां पर और भी बात हो गई थी पिछले लेक्चर में हमें कि अगर कोई भी दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिए देते हैं तो वो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। तो बिल्कुल आप याद रखिएगा इनवर्स, और अपनी कहानी यहां तक हो गई थी तो मैं वापस नहीं जाना चाहता। तो आप यहां से ए इनवर्स से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह आई बन जाएगा, आई इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू ए इनवर्स और मॉड ए, और आई जो है ए इनवर्स में चला गया, तो यहां से आई यहां से भी चला जाएगा, तो फाइनली आप पाएंगे कि ए इनवर्स का एक फॉर्मूला बन रहा है, दैट इज एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए। तो बिल्कुल ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बिल्कुल याद रखिएगा, और एडजॉइंट आप एक लाइन में निकालना तो सीख ही थे, पिछला लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो उसमें मैंने एक लाइन में आपको एडजॉइंट किसी भी मैट्रिक्स का एक ही स्टेप में आपको एडजॉइंट निकालना सिखाया है। अब यहां से कुछ काम-काम की बातें आ रही हैं निकल के, जैसे पहली बात निकल के आ रही है कि मॉड ए, मॉड ए बोलने का मतलब डिटरमिनेंट। तो भाई साहब यहां से अगर आप एक बात बताएं कि अगर मॉड ए को हम देखें तो अगर मॉड ए किसी दिन हो गया 0, मॉड ए कौन है, डिटरमिनेंट, ठीक है, और यहां से नॉट इक्वल टू 0, यानी कि दो बातें हो रही हैं अगर हमने, तो यानी कि सबसे पहला स्टेप होना चाहिए आपका इनवर्स फाइंड करने में, ठीक है, स्टेप्स जो आप लिखेंगे, तो सबसे पहले आप कभी भी किसी भी मैट्रिक्स दिया अगर ये इनवर्स आपसे पूछ रहे हैं आपको जरूरत पड़े तो आपको मॉड ए, और वैसे भी आपको बता दूं अगर आप एट द एंड इस चैप्टर को देखेंगे मैट्रिक्स, जैसे कि इस लेक्चर के बाद में देखेंगे, तो आप पाएंगे कि डिटर्मिनेंट इतनी काम की चीज़ है ना कि पूरा चैप्टर हिला के रखा है उसने। तो मॉड ए इज इक्वल टू 0 होता है एक मैट्रिक्स के लिए जिसका नाम है सिंगुलर मैट्रिक्स। तो भाई बिल्कुल ये एक और तरीके का मैट्रिक्स हो जाता है, कई बार आपके पास सवाल आता है अननोन बेस्ड, बीच में एक वैल्यू रख देते हैं के लैम्डा और बोलते हैं कि ये मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स है, देन फाइंड लैम्डा, तो आपको कुछ करना नहीं है, उसका डिटरमिनेंट 0 कर देना है, अगर डिटरमिनेंट 0 नहीं होता है तो इसको उल्टा बोलेंगे हम, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। बिल्कुल समझ में आया, तो अब यहां पर कुछ बातें निकल के आती हैं, अगर आपका डिटरमिनेंट सिंगुलर है मान लेगा मॉड ए 0 हो गया, अगर 0 हो गया तो ये अनंत हो जाएगा, है ना, तो इसका मतलब इनवर्स नॉट एग्जिस्ट। यहां से एक बढ़िया बात आती है, इनवर्स नॉट एग्जिस्ट, कई बार आपको ऑप्शन में ये ऑप्शंस दिखते हैं नॉट एग्जिस्ट, तो हमें पता चल गया कि कब हमारा इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कब हमारा इनवर्स नहीं एग्जिस्ट करेगा, तो यहां पर इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इनवर्स एग्जिस्ट यानी कि इनवर्स को एग्जिस्ट होने के लिए सबसे पहले डिटर्मिनेंट का होना बहुत जरूरी है। अगर डिटर्मिनेंट 0 हो गया हम वहीं पर मना कर देंगे, इसका इनवर्स नहीं आ रहा है भाई, तो ये बिल्कुल आपका फॉर्मूला हो जाता है एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए, यानी कि ए इनवर्स तक पहुंचने के लिए दो स्टेप में काम हो जाएगा अपना, एडजॉइंट ए भी निकाल सकते हैं हम और मॉड ए। तो बिल्कुल
फिलहाल ये फॉर्मूला आगे भी आपके काम आएगा, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं हम ए इनवर्स फाइंड करना। तो सीख कई तरीके से आप सीखते हैं, आप एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से भी ए इनवर्स बोर्ड में सीखते हैं। दूसरा ये फॉर्मूला मेथड होता है, इन्वर्जन मेथड बोलते हैं। तो एडजॉइंट ए आपने निकालना पहले ही सीखा होता है, डिटर्मिनेंट पहले ही सीखा होता है, तो दोनों को रखना होता है और जस्ट फॉर्मूले में आपका ए इनवर्स आ जाता है। लेकिन अब हम ए इनवर्स नहीं पढ़ना चाहते, हम पढ़ना चाहते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, जिसपे कि सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, ये इसका एप्लीकेशन पार्ट है। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है कि यहाँ पर तीन इक्वेशन आपको प्रोवाइडेड होती है, तीन इक्वेशन और उनके फिर सॉल्यूशन पूछते हैं। उनके सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार से वेरी करते हैं कि किसी का सॉल्यूशन ये हो जाता है इन्फिनिट मेनी सॉल्यूशन हो जाता है, किसी का यूनिक सॉल्यूशन हो जाता है, किसी का ट्रिवियल सॉल्यूशन हो जाता है, कोई इक्वेशन कंसिस्टेंट होती है, कोई इनकंसिस्टेंट होती है। ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना, नॉन ट्रिवियल, ये इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, डिपेंडेंट सॉल्यूशन, रैंक, फिर बहुत सारा इसमें कैसा है मैट्रिक्स। तो इसको एक सिस्टमेटिक ढंग से अगर आप दिमाग में एडजस्ट करेंगे तो आपके लिए चैप्टर बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो आइए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसे बात करते हैं। तो यहाँ पर तीन इक्वेशन आपको क्वेश्चन में दी रहेंगी, बिल्कुल, तो यहाँ पर बिल्कुल जो आपको काम करना है वैसे ही चलेंगे। तो तीन इक्वेशन आपको दी रहेंगी, मैं इक्वेशन मान लेता हूँ, ठीक है, कुछ मान लेते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, ठीक है, कुछ इस प्रकार से इक्वेशन, यानी कि तीन वेरिएबल रहेंगे आपके। दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2, यस, ठीक है, तीन इक्वेशन फटाफट लिख लेते हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल सवाल ही ऐसे पूछा जाता है, अगर आप गेट का एग्जाम दे रहे हैं तो भी यही ऐसे ही होता है, यानी कि इंजीनियरिंग मैथ में भी आपको पढ़ने को मिलेगा। तो बिल्कुल ये तीन इक्वेशन हैं, इनको ही हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि अगर आप इसको ऐसे देख रहे हैं या आप इसको दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं मैट्रिक्स चैप्टर। आप इसको दूसरे तरीके से कैसे देखेंगे, दूसरे तरीके मैं दिखा देता हूँ आपको। तो a1 इनके कोफिशिएंट से बना हुआ एक मैट्रिक्स उठाएंगे हम, a1 b1 c1 और इधर a2 b2 c2, इसी प्रकार a3 b3 c3, और यहां पर वेरिएबल्स भी हैं x y z, तो x y z का भी एक मैट्रिक्स बनाएंगे हम, दैट इज 3:1, यानी कि तीन रो रहेंगी एक कॉलम, इज इक्वल टू इधर की तरफ भी कुछ आ रहा है d1 d2 d3। तो ये पूरा आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे। आप इसको देख सकते हैं, ये ऐसा नहीं है कि ऐसा लिखा जाता है, रटना नहीं है, आप ऐसे समझिए। देखिए भाई, मल्टीप्लीकेशन आता है सबको, 3×3, 3×1, आप ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो a1x b1y c1z इज इक्वल टू d1, यस, पहली इक्वेशन आ गई। a2x b2y c2z इज इक्वल टू d2 आ गई दूसरी इक्वेशन। तो यानी कि क्या है, मैंने इसलिए दोनों तरफ लगाया कि आप ये लिखो या ये लिखो, एक ही बात है, ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का। लोगों ने इसको क्या किया, लोगों ने बोला कि ठीक है हम इसको एक नया मैट्रिक्स नाम देते हैं, कैपिटल ए बोल देते हैं, और ये वेरिएबल से मिलकर बना है, इसको एक्स लिख लेते हैं और इधर की तरफ बी लिख लेते हैं। तो लोगों को यहाँ से एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को उन्होंने ऐसा नाम दिया। फिर उन्होंने कहा देखो कि अगर हम x को निकालना है हमें, क्योंकि हमें सॉल्यूशन पर बात करनी है, क्योंकि नंबर ऑफ सॉरी सॉल्यूशन कैसे होंगे भाई, यूनिक होंगे, कैसे होंगे निकालने के लिए। तो उन्होंने क्या कहा कि b को a की तरफ उधर अगर डिवाइड लगा दें तो ये हो जाएगा a इनवर्स b, और a इनवर्स का लोगों ने फॉर्मूला अभी पीछे ही हमने निकाला है, तो एडजॉइंट a इंटू b अपॉन मॉड a, यानी कि फाइनली आपके पास एक फॉर्मूला आया है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए, दैट इज ये लिखा हुआ है आपके सामने। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, लेकिन बात यहां पर नहीं रुकी, इससे हमारे सिर्फ सवाल नहीं बनेंगे। इससे अगर आप सवाल निकालना चाहते हैं तो इसका मतलब कितने स्टेप्स आ गए, अगर हमें सॉल्यूशन देखना होगा तो यानी कि हमें एडजॉइंट ए ढूंढना पड़ेगा, एडजॉइंट ए इंटू बी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और डिटर्मिनेंट, यानी कि ज्यादा लंबा सवाल नहीं जाएगा, आप डिटर्मिनेंट सबसे पहले सॉल्व करेंगे, एडजॉइंट ए आपको एक लाइन में आता है, इंटू बी करेंगे, यानी तीन स्टेप में आप एक्स तक पहुंच सकते हैं। तो ये प्रॉपर अगर क्वेश्चन मिलता है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, हम डिस्कस भी करेंगे, लेकिन प्रीवियस ईयर में उनका पूछने का अंदाज थोड़ा अलग होता है। आइए तो इसको और थोड़ा डिटेल में हम चलें, तो बात करेंगे हम, सवाल पहले ही आ गया, अच्छा सवाल पर नहीं जाएंगे, पहले इधर। तो x इज इक्वल टू ए इनवर्स b, यानी कि x आपका सॉल्यूशन जो आ गया है, आओ ध्यान से देखते हैं, एडजॉइंट a यहां तक पहुंच ही गए हम, इंटू b अपॉन मॉड a। अब लोगों ने यहाँ पर सॉल्यूशन के बारे में कमेंट करना शुरू किया कि भाई इसके सॉल्यूशन गेस लगाना कि भाई ऐसा होगा तो ऐसे सॉल्यूशन हो जाएंगे, तो हम भी उस पर विचार करते हैं। तो पहली चीज ये है कि आप इसके डिटर्मिनेंट को देखकर ही बहुत चीजें बता देंगे। जैसे मैं पहली बात ले रहा हूं यहाँ पर मॉड ए, पहला मान लेते हैं हमारा क्या हो गया भाई, जीरो हो जाए, चलो जीरो मतलब सिंगुलर मैट्रिक्स, और इधर भी हम पहला कंसिडर कर रहे हैं, मॉड ए जब जीरो नहीं हुआ सिचुएशन आ सकती, यानी कि फॉर्मूले की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी हम बढ़ा रहे हैं।
तो आप सोचते हैं कि यानी कि मॉड ए अगर जीरो हो गया तो भाई बात यह है कि नीचे वाला जीरो हो गया, तो यानी कि नीचे वाला जीरो यानी कि अनंत आ रहा है, यानी कि एक्स इज इक्वल टू। तो यहाँ पर आप दो तीन बातें बोल देते हो, या वैसे तो इनकंसिस्टेंट भी बोलते हैं, मैंने इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट इक्वेशन क्या होती है मैं आपको रैंक में बताऊंगा, ठीक है, रैंक के आधार पर। तो यहाँ पर मॉड ए आपका अगर जीरो हो गया तो दो बातें होती हैं, या तो नो सोल्यूशन होगा या फिर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा। तो मैं दोनों बातें अगर लिख देना चाहूँ तो यहाँ पर दो बातें निकल के आती हैं, या तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस के लिए होता है मैनी सॉल्यूशन, या फिर नो सॉल्यूशन, ठीक है, या इसको लोग इन दूसरे शब्दों में नॉन ट्रिवियल भी बोल देते हैं, है ना, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, कई शब्द इस्तेमाल करते हैं नॉन ट्रिवियल, यानी कि कहानी एक ही है, या कई लोग एटलीस्ट वन सॉल्यूशन भी बोल देते हैं, कम से कम एक नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो बात ये आती है कि यानी मॉड ए जीरो हो गया, अभी ऐसा नहीं है कि सिर्फ मॉड ए से, बाद में इसमें एक दो और काम करके देखेंगे अगर आप इस फॉर्मूले से जाना चाहते हैं। तो बात यह है कि मैं दो चीजें और चेक करूंगा, क्योंकि दो अननोन भी आ सकते हैं, एडजॉइंट इनटू ए इनटू बी और एडजॉइंट ए इनटू बी। अब यहां से दो बातें हो सकती हैं फिर से, कि ये जीरो हो जाए या फिर ये जीरो ना हो, जीरो मतलब नल मैट्रिक्स है, पर जीरो बोलना उचित नहीं रहेगा। तो आप इसको इस प्रकार से समझे, मैं फॉर्मूले को थोड़ा करेक्ट करता हूं, इधर आपको समझ में आ जाएगा पूरी कहानी। तो हो रहा है एक्स इंटू मॉड ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू बी, ठीक है, यही फॉर्मूला है अपने पास। तो हमें एक्स के बारे में कमेंट करना है कि भाई एक्स कैसे हैं, तो आप ही बताइए एक मिनट, हमारा मॉड ए पहले से जीरो लेके बैठे, दूसरा हो गया कि ये नॉट इक्वल टू जीरो है, मतलब कुछ मतलब कोई मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगा, एडजॉइंट ए इंटू बी बेसिकली एक मैट्रिक्स होगा। तो आप यहां पर देखिए ये हो गया जीरो, और ये अगर जीरो नहीं है, ये अगर जीरो नहीं है, तो अगर जीरो नहीं है तो फिर कैसे सोल्यूशन हो सकते हैं, मतलब ये ऑलरेडी जीरो हो चुका है और ये जीरो नहीं हुआ है, तो आप क्या बोलेंगे सॉल्यूशन है या नहीं है, या फिर दोनों ही नॉट इक्वल टू जीरो लगाएंगे, ये इक्वल टू जीरो ले लेते हैं। दूसरा कि अगर जीरो हो जाए, तो आप देखिए अगर यहां पर ये जीरो हो चुका है, इसको आप ऐसे समझिए, फील लीजिए, यहां पर मैं ऐसे थोड़ा अलग कलर से दिखाता हूं, एक्स इंटू जीरो इज इक्वल टू ये भी नल मैट्रिक्स जीरो। तो आप ही बताइए क्या हुआ है, मैं यहां पर भी लिख देता हूं, ये कुछ इस प्रकार से होता है एक्स इंटू जीरो इज इक्वल टू नॉट जीरो, मतलब के लिख दूं या मैट्रिक्स लिख देते हैं, कोई मैट्रिक्स आएगा, तो यहाँ पर कोई मैट्रिक्स आएगा एडजॉइंट इनटू बी, तो मैं के कैसे लिखूं, कोई मैट्रिक्स समझ लेते हैं नॉट इक्वल टू जीरो, फिलहाल तुम समझ लेना यहाँ पर कोई चीज है, मतलब मैट्रिक्स पी मान लेते हैं, इट इज पी, या एडजॉइंट इनटू बी लिख देते हैं, हटाओ, तो एडजॉइंट इनटू बी। तो भाई आप ही बताइए, यहां पर इधर भी जीरो इधर भी, यानी कि जीरो इज इक्वल टू जीरो, यानी कि एक्स की जगह मैं कोई भी सॉल्यूशन लिखूं, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी लिखूं, तो ये सेटिस्फाई करेगा, यानी कि इक्वेलेंस इक्वेशन को कोई दिक्कत नहीं हो रही। तो यहां से आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि ऐसा अगर हुआ तो इसका मतलब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आ रहे हैं, यानी कि बहुत सारे सॉल्यूशन आएंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, या फिर आप ऐसा भी समझिए जब भी आपका मॉड ए जीरो होता है तो आपको डिपेंडेंट सॉल्यूशन मिलते हैं। यहां से एक और ये बातें हम सारी बाद में लिख देंगे, डिपेंडेंट सॉल्यूशन, डिपेंडेंट सॉल्यूशन होंगे तभी आप बोल सकते हैं कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो दूसरा क्या आ रहा है, एक्स इंटू जीरो इज इक्वल टू, यानी कि एक्स इज इक्वल टू जीरो इसके नीचे लग जा रहा है, मतलब अनंत आ रहा है, तो यहां से नो सॉल्यूशन लिखेंगे, क्या बोलेंगे कि भाई कोई सॉल्यूशन आपका मिलेगा नहीं अगर ये हो गया है। तो ये आपकी दो बातें क्लियर हो जाती हैं। इसी प्रकार इसका दूसरा हिस्सा देखेंगे, दूसरे हिस्से में चलें तो फिर से मॉड ए अब आपने लिया है जीरो नहीं है, मतलब आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, मॉड ए नॉट जीरो, पीछे पड़ा है अभी नॉट सिंगुलर। तो अब इसमें भी दो बातें होंगी आपकी, कि सॉल्यूशन के प्रकार दो प्रकार से हो सकते हैं, पहला कि इसमें आपका सॉल्यूशन मिलेगा इस बार कि यूनिक सॉल्यूशन आ जाए, ठीक है, या तो आपका यूनिक सॉल्यूशन आएगा, मतलब कोई फिक्स आएंगे, एक्स की वैल्यू कोई आएगी, टू वाई की कुछ आएगी, जेड की भी कुछ आएगी। दूसरा ये हो सकता है कि सॉल्यूशन आए ही ना, मतलब जीरो जीरो टाइप आ जाए सिर्फ, ये भी एक सॉल्यूशन होता है जीरो जीरो जीरो, इसको हम बोलते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन, इसको लोग प्यार से ट्रिवियल सॉल्यूशन पुकारते हैं, हालांकि सॉल्यूशन ये भी एक माना जाता है। तो अब यहां पर इसका मतलब यहां पर भी दो बातें हो रही हैं वापस, जैसा कि हम कर रहे हैं, यानी कि सिर्फ मॉड ए को देखकर, यानी कि डिटरमिनेंट ए को जीरो या नॉट जीरो देखकर ही हम कुछ बातें पकड़ लेते हैं कि इसके सॉल्यूशन कैसे होंगे, यानी कि दो बातें इधर दो बातें इधर भी होंगी, तो टोटल चार ऑप्शन बनते हैं, यही चार ऑप्शन वो ऑप्शन में लगाते हैं। तो पहली चीज अगर मान लेते हैं हमारा एडजॉइंट ए इंटू बी भी जीरो हो गया, उधर नॉट लिया गया जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो इधर ले लेते हैं, एडजॉइंट ए इंटू बी जीरो हो गया, जीरो बोल मैं इसलिए बोल रहा हूँ, नल मैट्रिक्स बोलते हैं इसको क्योंकि एक मैट्रिक्स है। तो एडजॉइंट ए बी, अब इधर फिर से देखें हम इसको कि हो क्या रहा है, तो इक्वेशन पर आप गौर करें
तो मॉड ए आपका जीरो नहीं है आज के दिन, यानी कि एक्स इंटू मॉड ए है, ये नॉट इक्वल टू जीरो है और ये भी नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि यहाँ पर भी कोई मैट्रिक्स है, यानी कि एडजॉइंट ए इंटू बी। तो आप इस ये पूरा एक फॉर्मूला बन रहा है आपका, तो यहाँ से आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, क्योंकि प्रॉपर बढ़िया तरीके से आपका एडजॉइंट ए भी आ रहा है आज, इंटू बी भी आ रहा है, एक मैट्रिक्स मिल रहा है और डिटरमिनेंट को इसके नीचे लगा रहे हो आप, तो आपका सॉल्यूशन मिल रहा है, दैट इज यूनिक सॉल्यूशन। तो ये ही आपका सॉल्यूशन दे रहा है, लेकिन बाकी सारी कंडीशंस में नहीं हो रहे हैं सॉल्यूशन। जैसे कि इधर कि आप इधर देखें तो यही चीज कैसे बन रही है कि भाई आज ये तो जीरो नहीं है, यानी कि एक्स इंटू मॉड ए है, बट ये आदमी हो गया है नल मैट्रिक्स, यानी कि इधर तो जीरो हो गया। अब आप ही बताइए, ये स्केलर क्वांटिटी होगी 2, 3, 4, तो 2x इज इक्वल टू जीरो, यानी कि यहाँ पर x इज इक्वल टू आ रहा है नल मैट्रिक्स, दैट इज x कॉमा y कॉमा z इज इक्वल टू 0, 0, 0, 0, दैट इज ट्रिवियल सॉल्यूशन। इनको हम पुकारते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो आप पूरा एक बार इसको देख लें, पूरी स्क्रीन को नोट डाउन भी कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप यहाँ से इतनी बातें कर पा रहे हैं, और ये रटना नहीं है आपको। देखो मैंने आपको पूरा प्रॉपर बताया कि कैसे आ रहा है, ठीक है, कि आप मॉड ए से इस बातें देख लेंगे। इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं कि इसका मतलब यह है कि डिटरमिनेंट ए से ही बहुत काम हमारा हो जाएगा, ठीक है। क्या आपको समझ में आ गई है बात कि मॉड ए कब जीरो होगा? तो इसको और हम थोड़ा एलिबरेट कर लेते हैं, यानी कि मॉड ए किसी देखा करेंगे हम, मॉड ए अगर हो रहा है जीरो और अगर हो रहा है नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि मॉड ए नॉट इक्वल टू जीरो तो दो संभावनाएं, अगर मॉड ए जीरो हुआ तो भी दो संभावनाएं। सॉल्यूशन के बारे में हम सॉल्यूशन पर कमेंट कर रहे हैं, फॉर सॉल्यूशन अगर कमेंट करना है आपको। मॉड ए जब भी जीरो होता है तो दो बातें हो सकती हैं आपकी, पहली बात हो सकती है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आए, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, या फिर आपके कैसे सॉल्यूशन आएंगे, नो सॉल्यूशन, कि भाई सॉल्यूशन ही नहीं है, निकल ही नहीं रहा क्योंकि नीचे इन्फिनिटी बन गया। या फिर इसको दूसरे शब्दों में आप अभी भी आगे और भी देख सके, और क्या क्या बातें देखी आपने, इनवर्स नॉट एग्जिस्ट, सारी बातें लिख लेते हैं, इनवर्स नॉट एग्जिस्ट। अभी एक और बात इससे पहले बताई मैंने, डिपेंडेंट सॉल्यूशन आते हैं, तो कई बार ऑप्शन में अलग अलग चीजें बोले तो अभी आप कर सकते हो, तो इट इज डिपेंडेंट सॉल्यूशन इसके आएंगे। तीसरी चीज, सिंगुलर मैट्रिक्स है क्या? यस, बिल्कुल सिंगुलर मैट्रिक्स है साहब। और आगे चलकर आप इसको रैंक वगैरह पे पढ़ेंगे, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फिलहाल, आगे आप कनेक्ट करेंगे इस चीज को। रैंक को हम रो ऑफ ए से डिसाइड करते हैं, लेस देन एन, एन होता है यहाँ पर नंबर ऑफ वैल्यू, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेक्टर्स बोलते हैं या फिर वेरिएबल्स बोलते हैं, वेक्टर्स लिख देता हूँ, ये एक्स वाई जेड ही आपके एन बताते हैं, तो रैंक ऑफ ए यहाँ पर लेस देन एन होता है। दूसरा पार्ट इसका आता है कि अगर आपका मॉड ए जीरो नहीं है, यानी कि आप ये देखिए कि सिर्फ डिटर्मिनेंट कितनी चीजें खेल सकता है, ठीक है, ऐसे प्रकार से आपके ऑप्शन आ सकते हैं। दूसरा, अगर डिटर्मिनेंट जीरो नहीं हुआ भाई, तो डिटर्मिनेंट जीरो नहीं हुआ है तो पहली चीज तो इसके सॉल्यूशन के बारे में बात करें हम, ठीक है। तो सॉल्यूशन कैसे आएंगे, तो पहले दो प्रकार के सॉल्यूशन हो सकते हैं इसमें, पहला ही आपका यूनिक सॉल्यूशन टपक सकता है, ठीक है। हालांकि इसके लिए दूसरी कंडीशन भी आपको चेक करनी पड़ेगी, कौन सी दूसरी कंडीशन, एडजॉइंट ए इनटू बी, ठीक है, तो यूनिक सॉल्यूशन आएंगे या फिर ट्रिवियल सॉल्यूशन बोल दें, ट्रिवियल सॉल्यूशन। अच्छा, इधर भी छूट गया एक, नॉन ट्रिवियल भी लिख लें आप कहीं पर, तो है ना, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन यहीं पर मेंशन कर देते हैं, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। नॉन ट्रिवियल का मतलब होता है अदर देन 0, 0, 0, ठीक है, ट्रिवियल सॉल्यूशन आएंगे, ठीक है। और कोई बात, ट्रिवियल सॉल्यूशन मतलब 0, 0, 0, यूनिक सॉल्यूशन मतलब कुछ 2, 4, 6 ऐसे। अच्छा, दूसरी बात क्या दिख रही है, जैसे इधर लिखा हमने कि नो सॉल्यूशन, इनवर्स नॉट एग्जिस्ट, तो इधर इनवर्स एग्जिस्ट करेगा क्या? यस, इनवर्टिबल मैट्रिक्स बोल देते हैं हम, इनवर्टिबल मैट्रिक्स या इनवर्स एग्जिस्ट करता है, इनवर्स एग्जिस्ट। तो इतनी बात आपको समझ में आई। दूसरी चीज, डिपेंडेंट सॉल्यूशन है इधर, तो इधर कैसे आएंगे भाई, इंडिपेंडेंट होंगे, तो यहां पर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन आप क्या आएंगे, आप इंडिपेंडेंट वेक्टर्स भी बोल सकते हैं हम, ठीक है, सॉल्यूशंस। दूसरा आएगा, डिपेंडेंट हो ही गया इधर, और आपका सिंगुलर था ये, तो ये कैसा है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा, और कोई बात, यस बिल्कुल, इधर रैंक ऑफ ए एन से छोटा था, लेकिन यहां पर रैंक ऑफ ए बिल्कुल एन के बराबर आएगा, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू एन, एन यहाँ पर नंबर ऑफ वेक्टर्स है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स है, एक्स वाई जेड जो थे वही एन है, वो नंबर काउंट देता है कि एन कितने। तो आई होप ये भी बात आपको समझ में आ गई कि रैंक सिंगुलर मैट्रिक्स, डिपेंडेंट, इनवर्स नॉट एग्जिस्ट, नो सॉल्यूशन, ये सब प्रकार से आप लिख लीजिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये भाई, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, यानी कि डिटर्मिनेंट आपका ऐसा चलेगा कि आपको बहुत सारे सवाल करा के जाएगा। चलिए, तो सवाल पे ही डायरेक्ट चल लेते हैं। चलिए, जैसे यहाँ पर एक सवाल है और सवाल आपका भाई बढ़िया है, ठीक है, और कुछ नहीं है, अगर आप देखें तो यहाँ पर कुछ कह रहे हैं,
कह रहे हैं कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हैं इसके, तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस और एक बढ़िया मैट्रिक्स पूरा बना के ही दिया उन्होंने, एक्स इज इक्वल टू डी, एक्स इज इक्वल टू बी जैसा। फिर कह रहे हैं देन वन प्लस अल्फा स्क्वायर की वैल्यू बता दीजिए आप। तो आप ही अभी अभी पढ़ चुके हैं कि किसी भी मैट्रिक्स के अगर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होने हैं तो उसका डिटर्मिनेंट शायद जीरो होता है। बिल्कुल, डिटर्मिनेंट जीरो होता है। अगर आप देखें तो पीछे चलते हैं एक स्क्रीन, तो डिटर्मिनेंट जीरो ये रहा और यहाँ पर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, यस बिल्कुल। तो हमें ये हमारे पास जो मैट्रिक्स है यानी कि मॉड ए अगर हम इसका ले लें, दैट इज वन अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा वन अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा वन, ठीक है, इसको जीरो करना चाहिए हमें क्योंकि वो कह रहा है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है बिल्कुल। तो यहाँ से हम अल्फा फाइंड करने की कोशिश करेंगे, तो एक्सपैंड ही कर देता हूँ मैं, ठीक है, बाकी क्योंकि डायरेक्ट रिजल्ट तो कोई दिख नहीं रहा। अच्छा, एक खास बात बता देता हूँ इस मैट्रिक्स की, ये यहाँ आया, ये यहाँ आया, ये यहाँ आया, इट इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये कैसा मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कई बार क्योंकि मैंने आपको बताया पढ़ाते वक्त कि आप डायरेक्ट देखकर ही कैसे पहचान सकते हो कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है इसके सिमेट्रिक। चलिए कोई बात नहीं, तो हम एक्सपेंड कर देते हैं कॉलम के अबाउट, मैं एक्सपेंड करता हूँ इसके अबाउट। तो वन, ठीक है, वन माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा अल्फा माइनस अल्फा क्यूब प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो। ये तो हो गया जीरो। इधर से देखते हैं तो ये हो गया वन माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा की पावर चार, वेरी गुड, इज इक्वल टू जीरो। वाह वाह, अल्फा की पावर चार आ गया भाई, तो थोड़ा घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से चलते हैं। तो अल्फा की पावर चार माइनस टू अल्फा स्क्वायर प्लस वन, परफेक्ट स्क्वायर बन गया क्या? यस, परफेक्ट स्क्वायर है। तो यानी कि अल्फा स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर, बिल्कुल, यानी कि अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू वन, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस वन। बात समझ में आई? अभी रुकना रुकना, यानी कि दो वैल्यू कैसे आ गई? अगर मैं दो रखूंगा तो आंसर फिर दो दो आएंगे, तो इसका मतलब फिर से कुछ गड़बड़ है। हमें चेक कर लेना चाहिए कि कौन सी वैल्यू इसमें लेनी चाहिए। तो एक काम करते हैं, हमारी कोई इक्वेशन है ये, यहाँ से आया ना, तो एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इस इक्वेशन में वापस हम रख के देख लेते हैं, एक बार अल्फा इज इक्वल टू वन और एक बार अल्फा इज इक्वल टू माइनस वन, देखते हैं कौन सूट कर रहा है। अल्फा इज इक्वल टू वन रख रहे हैं तो वन माइनस टू प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, यस जीरो है। अल्फा माइनस वन रख रहे हैं तो कितना आ रहा है? तो भी आ रहा है, कुछ बोला नहीं अल्फा के बारे में, लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, अल्फा के बारे में इन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया है। तो अल्फा स्क्वायर माइनस वन इज का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू वन, अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस वन, तो ये वन माइनस टू प्लस वन, ठीक है, बैठ नहीं रहा है। वैसे अल्फा को माइनस वन या प्लस वन, प्लस वन ही ले सकते हैं हम, क्योंकि यहाँ पर भी देख सकते हैं। अच्छा, इसमें रख के देखते हैं, मैट्रिक्स में रख के देते हैं, मुझे लगा मैट्रिक्स में रख के देखिए डिटर्मिनेंट में। अल्फा को वन अगर रखें, अल्फा को अगर वन रखें तो यहाँ पर मुझे लग रहा है डिटर्मिनेंट आपको चेक करना चाहिए, शायद अल्फा माइनस वन पर नहीं आना चाहिए क्योंकि ये थोड़ा प्रभाव इस पर छोड़ेगा। आप ये थोड़ा रफ पे, क्योंकि ये आपका देख ही रहे हो, ठीक है, तो थोड़ा कैलकुलेट कराएंगे। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर अल्फा इज इक्वल टू वन सूट कर जाएगा, ठीक है, ये आपका मान्य होगा। आप निकाल के देख लीजिए, थोड़ी थोड़ा टाइम लगेगा। अल्फा अगर वन रख रहे हैं तो आप इसमें रख दें वन 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 वन, तो ये जीरो आराम से दे रहा है, दे रहा है कि नहीं दे रहा? तो अल्फा इज इक्वल टू वन ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो वन प्लस अल्फा स्क्वायर की वैल्यू भी आप बता सकते हैं कितनी आएगी भाई। तो वन प्लस वन आंसर आ रहा है आपका थ्री। तो ये आपका इंटीजर टाइप क्वेश्चन, आंसर इज थ्री, इज इट करेक्ट? चलिए, तो मुश्किल कोई भी बात नहीं थी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल भी कुछ इस प्रकार से, 2016 कह रहे हैं तीन इक्वेशन दिए हैं, मैंने पहले बोला तीन इक्वेशन देते हैं वो, और कह रहे हैं नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कहाँ आते थे? मॉड इज इक्वल टू जीरो में आते थे। आप जल्दी से इन बातों को समझा करें, तो मॉड इज इक्वल टू जीरो करना है भाई, लैम्डा ढूंढ लेना है। तो फिर से सवाल है, मॉड ए कैसे बनता है? कोफिशिएंट से बनता है भाई। तो वन लैम्डा माइनस वन, लैम्डा माइनस वन माइनस वन, वन वन माइनस लैम्डा। कई लोगों को मैं एक और चीज सजेस्ट करूंगा, कई बार वो एक्स वाई जेड खा जाते हैं, बीच में देते ही नहीं है, तो कई बच्चे जल्दबाजी में वो देखना भूल जाते हैं कि भाई एक्स नहीं दिया था, तो वो एक्स की जगह वाई का कोफिशिएंट लगा देते हैं या ऐसा कुछ करते हैं। तो आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा इन चीजों को। तो आओ इसको एक्सपेंड करते हैं और हम वैल्यू निकालते हैं। तो मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ इसके अबाउट, तो वन लैम्डा प्लस वन, ठीक है, लैम्डा प्लस वन माइनस लैम्डा, कितना आ रहा है? माइनस लैम्डा स्क्वायर और प्लस वन, और क्या आ रहा है? वन इंटू माइनस लैम्डा और माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। चलिए, तो
फिर माइनस कॉमन ले लें अगर, तो लैम्डा प्लस वन ये पूरा ही साफ हो गया इसके साथ। तो देख लेते हैं, तो यहाँ से आ रहा है लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा, ठीक है, लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा इज इक्वल टू जीरो। तो आप इसको थोड़ा सा अच्छा बना लें, तो लैम्डा कॉमन ही आ रहा है, तो लैम्डा स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो फाइनली आपके पास सॉल्यूशंस कुछ इस प्रकार से आ रहे हैं, लैम्डा एक आ रहा है जीरो और दूसरा लैम्डा हो जाएगा प्लस माइनस वन। तो क्या पूछ रहे थे? हैज ए नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन फॉर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस ऑफ लैम्डा, यानी कि लैम्डा की कोई भी वैल्यू चलेगी। ये कह रहे हैं एग्जैक्टली वन वैल्यू ऑफ लैम्डा, ये कह रहे हैं एग्जैक्टली टू वैल्यू ऑफ लैम्डा, ये कह रहे हैं एग्जैक्टली थ्री वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो आप कौन सा ऑप्शन टिक करना चाहेंगे? थोड़ा कैलकुलेशन वगैरह देख लेना, मेरे हिसाब से तीन वैल्यू तो आ ही रही है लैम्डा की, तो तीन वैल्यू के लिए तो ये सेटिस्फाई कर ही जाएगा। थोड़ा वगैरह आप इधर भी चेक कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है आप वैल्यू निकालते हैं और वो नहीं आता है, लेकिन आना आता ही, मैक्सिमम टाइम आएगा ही आएगा ही, ठीक है। तो ये फाइनली आपका तीन आंसर आपके आ गए, तो ये भी सोल्यूशन हो गया। तो यानी कि मैंने पहले ही बोला कि डिटर्मिनेंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और डिटर्मिनेंट से ही आपके सारे सवाल बन जाते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अच्छा ये रहा, चलिए इस सवाल तक पहुंचे तो देखो एक खास बात इसमें है, देखो मैं लैम्डा फाइंड कर दूंगा आपके लिए, लेकिन म्यू तक कैसे पहुंचे? अभी अगर आप डिटर्मिनेंट सिर्फ जीरो कर रहे हैं, देखो ये भी कह रहे हैंज इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, ठीक हैज इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन देन द वैल्यू ऑफ लैम्डा प्लस म्यू। तो इसके दो मेथड बता सकता हूं मैं, एक पूरा रैंक का, रैंक की वजह से आता है, और एक नॉर्मल जो हमने अभी सीखा है। तो आप कौन सा मेथड जानना से पहले से, तो पहला मैं आपको रैंक का ही सिखाऊंगा आप। चलिए चलो पीछे चलते हैं, वापस चलते हैं और हम पढ़ लेते हैं। अब क्या पढ़ लेते हैं? एक नई चीज पढ़ लेते हैं, उसका नाम है रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो बिल्कुल अब हमें पढ़ना चाहिए कि रैंक भाई क्या होता है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। तो रैंक आप देख लीजिए एक बार, रैंक कैसे निकालते हैं और रैंक क्या होता है, ठीक है। तो रैंक पर अगर हम आए तो बात करेंगे, तो बिल्कुल जैसा कि आप इनवर्स सीख चुके हैं, इनवर्स के कई सारे क्वेश्चन बनेंगे जो मैंने पहले पढ़ाया उसे भी बनेंगे, लेकिन रैंक मैं पढ़ाऊंगा इससे और भी आसानी से बनेंगे और इससे और भी आपको मैट्रिक्स के बारे में समझ आपकी विकसित हो जाएगी। तो रैंक पर बात करें तो पहली चीज, किसी भी मैट्रिक्स का अपना एक रैंक होता है, ठीक है, उसको हम डिनोट करते हैं किसी चीज से, तो डिनोटेड बाय रो ऑफ ए। तो इसको आप डिनोट करेंगे, इसको होता क्या है ये लिख लेते हैं, तो रो ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, नॉन जीरो रोज, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज आफ्टर मेकिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। मैं बता देता हूं अभी क्या है, लिख लेने दो पहले, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कैसे किया जाता है आपको सिखाया गया होगा, फिर भी मैं बता दूंगा। बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि ए आई आई, यानी कि है ना, मेक जीरोस बिलो डायगोनल या लोअर ट्रायंगुलर डायगोनल, ठीक है, देख लेना। तो अब मैं ऐसे बता देता हूँ कैसा होता है कि आपके पास कोई मैट्रिक्स है तो आपको सिखाया गया होगा। मैं इधर आ जाता हूँ वापस, देखिए आपके पास कोई मैट्रिक्स होगा, मैं इसमें प्रक्रिया भी बता दूंगा आपको कैसे करना है। जैसे मान लीजिए 3x3 का मैट्रिक्स आता हो, तो पहले एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से बता देता हूँ, फिर मैं डिटर्मिनेंट के आधार पर बता दूंगा। तो बेसिकली यहाँ पर एक डायगनल होती है, इस डायगनल के नीचे ये ट्राइंगल रहता है। तो अगर आप रैंक कैलकुलेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप जीरोज बनाएंगे, मेक जीरोज, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन आते हैं नहीं आते तो भी सिखा दूंगा। तो सबसे पहले मैं क्या क्या करना चाहिए हमें वो भी देख लेते हैं। पहले आप यहाँ वाला जीरो बनाएंगे, देन आपका टारगेट रहेगा ये जीरो करना, ये एलिमेंट तो हो गई, ठीक है, ये एलिमेंट जो भी यहाँ पर रहे, देन आप ट्राई करेंगे ये एलिमेंट जीरो, यानी कि प्रक्रिया कुछ इस प्रकार की, पहला काम दूसरा काम तीसरा काम। तो कई बार ये डायरेक्ट बन ही जाते हैं तो आप कर लेना, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने जैसे सीखा कि रैंक जो होता है नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होता है, यानी कि हमें फिर कितनी जीरो रोज हो जाती है, जितनी जीरोज हो जाएंगे पूरी कंप्लीट जीरो, रो पूरी जीरो, तो उसका रैंक जो है कम हो जाता है। जैसे मान लीजिए 3 नॉन जीरो रो रही, यानी कि एलिमेंट इसमें नॉन जीरो रहे, तो उतना रैंक हो जाता है। इसका एक सवाल हम करेंगे तो ही आपको समझ में आएगा, ठीक है, वरना दूसरा भी एक मेथड बताता हूँ, दूसरे पॉइंट पर पहले चलते हैं। आइए तो अगर मान लीजिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर ए आपका कोई मैट्रिक्स है जो कि एन क्रॉस एन का है, कितने का है, एन क्रॉस एन। तो यहां पर सभी को पता है कि n जो है वो नंबर ऑफ रोज ही तो शो करता है, नंबर ऑफ रोज। तो आप ही बताइए, जैसा कि हमने बोला कि रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, ठीक है,
कि कितनी नॉन जीरो रोज है, तो इसको एक दूसरे मेथड से, एक तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है, आप जीरोस बनाइए डायगनल के नीचे सारे जीरो बनाएंगे, फिर काउंट कर लीजिए कितनी जीरो हो गई कितनी नहीं हुई, जो नहीं हुए वो रैंक बन जाता है। तो दूसरा मेथड ये है कि आप इसका डिटर्मिनेंट निकालें भाई, और अगर डिटर्मिनेंट जीरो आ गया, दो बातें हो सकती हैं, यानी कि यहां से क्या करना है आपको, डिटर्मिनेंट डायरेक्ट काट दो आप, है ना, डिटर्मिनेंट फाइंड, ठीक है, और दो बातें हो सकती हैं, या तो आपका मॉडे जीरो हो जाएगा या नहीं होगा। फिर से देखो डिटरमिनेंट, हर चीज को हम डिटरमिनेंट से लिंक कर दे रहे हैं इस चैप्टर में, ठीक है, ये कितनी खूबसूरत बात है। तो डिटरमिनेंट अगर जीरो हो गया, तो डिटरमिनेंट जीरो होने की संभावना का मतलब ये हुआ आता है, डिटरमिनेंट जीरो कब होता है आप ही बताइए, जब किसी कोई कंप्लीटली रो कोई कंप्लीटली कॉलम जीरो हो जाता है, तो हम उसको डिटरमिनेंट को जीरो बोलते हैं। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि यहाँ पर एक कंप्लीटली रो कोई तो जीरो हो गई होगी, तो इसलिए अगर आपका ये हो गया, यानी कि यहाँ पर रैंक ऑफ ए जो भी हो आपका लेस देन एन हो जाएगा, नहीं आया, यानी कि एन से छोटा हो जाएगा, मतलब तीन था तो दो हो जाएगा, मतलब दो, अभी ये भी फिक्स नहीं है। देन इसके बाद क्या करोगे, फिर इसके बाद फिर से सब मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट लेना है, सब मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। सब मैट्रिक्स क्या होता है अभी देखेंगे, सब मैट्रिक्स मतलब टू क्रॉस टू के आप उठाइए, यहां पर अगर मान लो एन है तो उसे एक कम, तो अब सब मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालेंगे, मान लीजिए वो भी कुछ मैं उसको कुछ से डिनोट कर देता हूं, मान लो आगे भी वो जीरो आया या नहीं आया उसके आधार पर, मान लीजिए आगे नॉट इक्वल टू जीरो आया है, तो आपका रैंक फिर फिक्स हो जाएगा, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू एन माइनस वन, यानी कि फिर एक ही कम हुआ है, ठीक है, मतलब कोई भी अगर सब मैट्रिक्स आप उठा रहे हैं उसका डिटरमिनेंट जीरो नहीं हुआ तो आपका रैंक एक कम हो जाएगा। अच्छा अगर इधर है तो अगर आपका डिटरमिनेंट पहले से ही नहीं जीरो आया, तो यानी कि यहां कंफर्म है आपका रैंक के जो है आपका एन के बराबर है, एन कौन है नंबर ऑफ रोज। तो आपको रैंक के बारे में ये बात समझ में आई, एक क्वेश्चन कर लें क्या, ठीक है ठीक है। अगर मान लो यहां पर ये जीरो भी हो गया सर, इसका दूसरा हिस्सा भी बता देता हूं, मान लो जीरो हो गया, अगर आप सब मैट्रिक्स निकाले और उसका डिटरमिनेंट लिए वो भी सारे जीरो, यानी कि यहां पर मैं बोलूंगा ऑल सब मैट्रिक्स जीरो, सब मैट्रिक्स डिटरमिनेंट जीरो, तो अगर सब डिटरमिनेंट सबका जीरो हो जाता है, ठीक है, तो आपका रैंक फिर से और कम हो जाएगा, देन रैंक ऑफ ए आप एक और कम करेंगे लेस देन एन माइनस वन, फिर आप सब मैट्रिक्स ट्राई करेंगे, तो ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो एक तरीका ये भी है कि फाइंडिंग ए रैंक में आप डिटरमिनेंट का भी सहारा लेते हैं। दो मेथड आ गया हमारे पास, एक आ गया जीरो बनाना एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेकिंग जीरोस, है ना, बिलो द डायगोनल लाइन, एंड दूसरा बाय डिटरमिनेंट बाय मॉडे, ठीक है। तो दो मेथड होते हैं आपके पास रैंक निकालने के। तो एक सवाल कर लेते हैं हम रैंक का, देखिए एक सवाल उठाता हूं मैं, मेरे पास हैं और भी बहुत सारे सवाल हैं, सवाल पर आते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आया है, वो आपसे रैंक ही पूछ रहे हैं, ठीक है, तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, कह रहे हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स, ये आपका इंजीनियरिंग में पूछा गया सवाल है, ठीक है, गेट के एग्जाम में, वन 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 माइनस वन 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 जीरो वन और इज के बाद ऑप्शन है ए जीरो बी टू बी वन सी टू और डी थ्री, बिल्कुल ये आपका सवाल ईसी 2018, ठीक है, कोई बात नहीं, जो जेई वाले बच्चे हैं वो भी सीख ले, रैंक बिल्कुल इंपॉर्टेंट है और आसान है, ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है। तो आपके पास दो मेथड है, बताइए कौन से मेथड से चलें। तो पहला हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से ही दिखा देता हूँ, दोनों मेथड क्लियर हो जाने चाहिए। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मैंने पहले ही बताया कि हम बिलो डायगनल यानी कि लोअर ट्राइंगल में जो एलिमेंट दिख रहे हैं हम ट्राई करेंगे सबसे पहले ये लोग जीरो बन जाए, यानी कि इनको ट्राई करना है ट्राई टू मेक जीरो, ट्राई टू मेक जीरो। तो आपको टारगेट रहना चाहिए ना, पता रहना चाहिए कि हाँ भाई सबसे पहले ये काम करना है, तो सबसे पहले आप ये जीरो बनाएंगे, तो आप आर वन को फिक्स कर लीजिए। तो यहां से आर थ्री को मैं लिख सकता हूँ आर थ्री इज इक्वल टू आर थ्री माइनस आर वन, पहला ऑपरेशन एंड, यानी कि ये जीरो बन गया, देखिए भाई जीरो बन गया। अब दूसरा ये भी जीरो देखो फ्री में ही बन रहा है, तो यहीं के यहीं दूसरा भी ऑपरेशन लगा सकते हैं आर टू माइनस आर वन, ठीक है। हम एट ए टाइम दो ही ऑपरेशन लगा सकते हैं क्योंकि ये थ्री क्रॉस थ्री का था, कोई भी एन क्रॉस एन मैट्रिक्स होता तो दो ही, उसके एक कम ही हम ऑपरेशन लगा पाते हैं। तो आपका मैट्रिक्स कुछ बदल रहा है, जल्दी से देखिए क्या बदल रहा है, यहाँ जीरो लिख लें, अच्छा पहला फिक्स है, एक रो फिक्स की थी हमने, और आर टू को क्या लिखना है आर टू माइनस आर वन, तो जीरो माइनस वन माइनस वन माइनस टू, जीरो माइनस वन, ठीक है, और वन माइनस वन जीरो अगेन, और ये वन माइनस वन ये भी जीरो हो गया, वाह वाह एक ही लाइन में सब बन गए, और ये वन माइनस वन जीरो, वेरी गुड कंप्लीटली जीरो। तो अब यहाँ पर आप देखें कि आपका मैट्रिक्स जो है ए
कुछ इस प्रकार से बन गया है, एक रो कंप्लीट जीरो हो गई, कंप्लीट जीरो, ठीक है, कंप्लीट जीरो। अब इसका मतलब ये हो गया कि इसका रैंक कितना हो गया, दो, क्योंकि तीन होता वैसे तो, ठीक है, तीन नॉन जीरो रोज, लेकिन एक जीरो कंप्लीट हो गई तो फिर दो रैंक बचा। लेकिन अभी भी आप क्या करो, एक सब मैट्रिक्स ट्राई करो इसका, क्या पता इससे भी नीचे चला जाए, क्योंकि मिनिमम से मिनिमम रैंक वन हो सकता है सिर्फ किसको छोड़कर, नल मैट्रिक्स को छोड़कर, क्योंकि नल मैट्रिक्स में सारे रोज जीरो होते हैं, तो सिर्फ एक नल मैट्रिक्स ही इकलौता एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसका रैंक है ना, यहां पर नोट करके आप लिख लीजिए बात, मिनिमम वैल्यू ऑफ रैंक ऑफ ए इज ऑलवेज लगभग वन होती है, बट कौन सा मैट्रिक्स बोला मैंने, नल मैट्रिक्स, हाँ मान लीजिए नल मैट्रिक्स है तो उसका रैंक जीरो हो सकता है, ठीक है, वरना नहीं होता। और मैक्स टू मैक्स रैंक की वैल्यू क्या होती है, देखिए भाई मैक्सिमम कोई भी रैंक अपने नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बराबर हो सकता है, नहीं कि रैंक, तो ये भी बात आप नोट करके यहां पर ऐड कर सकते हैं, तो आप लिख लीजिए ये बात। आगे बढ़ते हैं तो सवाल में हम चलते हैं वापस, तो हमने देखा कि ये कंप्लीट जीरो बन गया, और ये सब मैट्रिक्स इसी को बोलते हैं, तो मैंने आपको बताया ये 2x2 का है, तो 2x2 का है, आप इसका चेक कर लीजिए, इसमें आप जीरो बना सकते हो, तो डायरेक्ट आप मॉड ए ले लीजिए, तो इसका मॉड ए ले लेता हूं मैं, दैट विल बी -1 और +2 नॉट इक्वल टू जीरो, तो नॉट इक्वल टू जीरो यानी कि रैंक फिक्स हो गया, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2 ही रहेगा, तीन तो नहीं है, दो, एक कम, क्योंकि एक कंप्लीटली जीरो बन गई है। तो दूसरा, ये तो हो गया एलिमेंट्री ट्रांसफर, दूसरा मेथड आपका क्या कहता है, दूसरा मेथड ये कहता है कि आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट आप मॉड ए ले लेते हैं, आप मॉड ए सॉल्व कर लें, यहाँ पर सॉल्व कैसे करेंगे, मैं एक्सपेंड कर देता हूँ 1 अबाउट कॉलम, क्योंकि डिटरमिनेंट निकालने में आपको चैंपियन बनना है, ठीक है, तो 1, तो ये हो गया -1 -0 -1 1 -1 0, ठीक है, +1 और ये हो गया 0 -- +1। अब हम सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो ये हो गया -1 और ये हो गया -0 और ये +1, तो फाइनली आप देख पा रहे हैं कि ये भी हो गया 0। तो इसका मतलब मैंने अभी पहले बताया कि अगर आपका डिटरमिनेंट 0 हो रहा है, यानी कि रैंक ऑफ ए आपका पहले तो यहाँ पर कितना है, 3 था, हम लिखना चाहिए कि पहले तो जब तीनों नॉन जीरो दिख रही है तो 3 है, लेकिन अब अगर डिटरमिनेंट 0 हो गया तो एक कम हो गया, यानी कि अभी के लिए मैं रैंक के 2 बोलूंगा, लेकिन लेकिन कोई भी एक उठा के आप देखो, कोई भी ये उठा लो, ये उठा लो, आप ये उठा लो, ये उठा लो, या कोई भी उठा लो, अगर एक भी नॉन जीरो मिल गया तो रैंक 2 फिक्स है, अदरवाइज अगर सारे जीरो हो गए तो आपका रैंक एक फिर से कम हो गया। तो अब हम देख पाते हैं, कोई भी उठा लेते हैं, ये उठाया तो नॉन जीरो आ रहा है, यानी कि आप अगर सब मैट्रिक्स देखें तो सब मैट्रिक्स 2x2 डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट लिख देता हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ इज नॉट इक्वल टू 0, सो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2 अगेन, तो बिल्कुल आपका सवाल बन गया। तो आप रैंक निकालना सीख गए। अब रैंक का यूज क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं हम, रैंक जरूरी क्यों थी, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, तो भाई रैंक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कैसे सर, आओ एक आगे चलते हैं। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आपको रैंक समझ में आ गया, रैंक ऑफ मैट्रिक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है, हमारे पास 2 मेथड हैं, आपको हर टाइप के क्वेश्चन के मेथड समझने होते हैं कि क्या क्या तरीके हम कैसे कैसे निकाल सकते हैं। अगर आप ये समझ लेते हैं, यानी कि दिमाग में पूरा मैपिंग क्रिएट हो जाता है किसी भी क्वेश्चन को लेकर, ठीक है, तो रैंक अगर आप सॉल्व कर ले रहे हैं, तो इसके आगे अब हम देखेंगे कि हमारा सिस्टम, देखिए बेसिकली हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पर बात कर रहे थे, मैंने आपको बताया है कि पहला तो मैंने एक आपको फॉर्मूला मेथड ए इनवर्स, जैसा कि हमने बात किया, एडजॉइंट ए इनटू बी, और डिटरमिनेंट को लेकर हम मैट्रिक्स सॉल्व कर रहे थे कि कितने सॉल्यूशन है, 4 प्रकार के थे, लेकिन अब हम रैंक की मदद से ये काम करेंगे, रैंक की मदद से, तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है या फिर मॉड है, बहुत आसान है, ठीक है। तो चलिए, उसके लिए बस आपको करना ये है कि आपको सॉल्व, यहाँ पर लिखा है सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, तो यहाँ पर एक नया प्रकार का मैट्रिक्स आपको देखने को मिलेगा कि ये कौन सा मैट्रिक्स, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है, तो इसको मैं बता देता हूँ। ये एक मैट्रिक्स होता है किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में, इसको डिनोट हम इस प्रकार से करते हैं, यानी कि ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को जोड़कर। तो आपको याद होगा हमने इक्वेशन लिखी थी, यानी कि हमने a1 b1 c1 a2 b2 c2, वापस आ जाते हैं, a3 b3 c3, हमने एक मैट्रिक्स बनाया था, ठीक है, ये हमारी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन थी, यस और नो, ठीक है, इज इक्वल टू इधर भी कुछ था d1 d2 d3। तो इनका कहने का मतलब है ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बी जो होता है वो कुछ इस प्रकार से लिखना चाहिए, इसका मतलब दोनों को मिलाकर लिखा जाता है a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, ठीक है, और साथ में क्योंकि हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाने वाले हैं, तो अगर हम किसी भी लीनियर इक्वेशन में अगर इन पर चेंज कर रहे हैं
तो साथ साथ D1, D2, D3 पर भी चेंज होना चाहिए, तो उनको भी हम साथ में उठा लेते हैं। तो इसी प्रकार से जो मैट्रिक्स बनता है इसको हम A ऑगमेंटेड B मैट्रिक्स बोलते हैं, आप जो भी बोल लें, ठीक है। आपको ये लिखना है और यही आपका सबसे इंपॉर्टेंट है बात, मानिए कि जब भी आपके एक से अधिक कॉन्स्टेंट इसमें इक्वेशन में दे देंगे, जैसा कि लैम्डा और म्यू अगले क्वेश्चन में है, तो अगर एक से अधिक देते हैं तो ये आपका बेस्ट मेथड है, वरना तो आप डिटरमिनेंट से कर लेते हैं जैसा कि हमने पीछे किया है। तो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ना, आपका किसी भी अननोन वैल्यू को फाइंड करने के लिए, इंपॉर्टेंट फॉर अननोन वैल्यू। तो मैं एक अपना सवाल बता देता हूं पहले, तो उसके बाद हम चलेंगे। तो एक सवाल कर लेते हैं इसके बाद, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स पर बेस्ड, ठीक है। चलिए, तो सवाल के माध्यम से समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। चलिए एक सवाल उठाते हैं, क्वेश्चन लिखा हुआ है, रैंक आप फाइंड करना सीख ही गए। क्वेश्चन इस प्रकार है, मैं एक ही क्वेश्चन में सारी बातें क्लियर करने वाला हूं, इसीलिए एक मेरा क्वेश्चन ले लो, फिर हम प्रीवियस ईयर करेंगे। तो डिटरमाइन लैम्डा एंड म्यू सच दैट ठीक है, इस तरह कंडीशन है। फिलहाल इधर आपको तीन इक्वेशन दिए हैं, फॉर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू सिक्स, एक्स प्लस टू वाई प्लस थ्री जेड इज इक्वल टू टेन, एंड एक और है इक्वेशन एक्स प्लस टू वाई प्लस लैम्डा जेड इज इक्वल टू। तो इस सवाल में आपके लैम्डा और म्यू अननोन है, और सवाल में प्रकार इस प्रकार से हो सकते हैं, सच दैट में यहां पर पहला है, कुछ इस प्रकार से आपको निकालने की नो सॉल्यूशन आने चाहिए, नो सॉल्यूशन। दूसरा यूनिक सॉल्यूशन, और तीसरा इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो तीनों पर मैं बात करूंगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो ये बेसिकली आपके कंडीशंस के हिसाब से होंगे, आप समझेंगे क्वेश्चन तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलिए, और हमारे बाकी के क्वेश्चन भी हो जाएंगे। तो बात करूं तो मैं बिल्कुल, हमने जैसा कि पिछला मेथड सीखा कि हम सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय ऑगमेंटेड मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो इसके आधार पर हम कैसे निकालते हैं, आओ देखते हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे ही सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन देखना है, आपको एक मैट्रिक्स लिखना है, ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। लिख लेंगे, बिल्कुल लिख लेंगे। आइए मैं भी लिखता हूं, 1 1 1, बिल्कुल आपको सीक्वेंस में सब कुछ लिख लेना है इस प्रकार से, 1 2 3 10, 1 2 लैम्डा, और आपका म्यू। क्या यही है? चलिए, अब चूंकि रैंक से बात करेंगे तो यहां पर अभी थोड़ी बातें रह गई हैं, तो मैं वापस पीछे चलता हूं, कॉन्सेप्ट और क्लियर कर लेते हैं। आइए, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जब आप निकालना सीख जाते हैं तो एक और बात होती है यहां पर, और पूरी कहानी बात कंप्लीट कर देता हूं मैं, क्वेश्चन पर आ जाएंगे। तो अगर आप यहां पर देखें तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में वापस चलता हूं मैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो यहां पर मैं आपको पूरी बात बताता हूं, जैसे कि मैंने बोला था कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस होती हैं दो प्रकार की, तो वापस आप थोड़ा कॉन्सेप्ट को पक्का और कर लीजिए, बस लास्ट है, इसके बाद ज्यादा नहीं। तो दो प्रकार की इक्वेशन होती है, एक होती कंसिस्टेंट इक्वेशन, ठीक है, एक हो जाती है इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। इन शॉर्ट हम रैंक से इस चीज को देख लेते हैं, इनकंसिस्टेंट कंसिस्टेंट इक्वेशन क्या होती है। अगर आपका रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स बराबर आता है रैंक ऑफ ए के, तो ये कंसिस्टेंट इक्वेशंस बोली जाती हैं, और अगर इन दोनों का रैंक ही आपस में बराबर नहीं हुआ तो ये इनकंसिस्टेंट बोली जाएंगी, पहली चीज। और जैसा कि आप n समझ ही रहे हैं, यहां पर n भी हमें एक जरूरत पड़ेगी, n इज नंबर ऑफ वेरिएबल या फिर वेक्टर, या वेक्टर भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। अब यहां पर भी आपके, चूंकि यहां पर आपका क्या होगा, यानी कि यहां पर सॉल्यूशन एग्जिस्ट, यानी कि जब भी आपका रैंक ये आता है तो आप यहां पर लिखेंगे सॉल्यूशन एग्जिस्ट, क्या है कैसा है वो पता नहीं अभी, ठीक है। लेकिन यहां पर अगर जैसे ही रैंक आपका बराबर नहीं आता है तो आप बोल देना नो सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? नो सॉल्यूशन, यानी कि यहां सॉल्यूशन आएगा नहीं, और इनको इनकंसिस्टेंट है ना इक्वेशन की कैटेगरी में रखा गया। अच्छा, इन शॉर्ट अगर कोई पूछे कि सर इनकंसिस्टेंट कंसिस्टेंट होती कैसी है, मैं एग्जांपल के तौर पर बता देता हूं फिर मिटा दूंगा फटाफट। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे आपके पास एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4 लिखा है किसी ने, और x माइनस वाई इक्वल टू 2 लिखा, आप बाकायदा इनको सॉल्व करके x और y अलग अलग ले आएंगे कि नहीं ले आएंगे, जो भी आ जाए। तो ये हो गई आपकी कंसिस्टेंट इक्वेशंस। लेकिन अगर मान लो आपको इक्वेशन कुछ इस प्रकार से दूं, x plus y = 4, और साथ में लिख दूं x plus y = -4,
और मैं बोल रहा हूँ अब इनके सोल्यूशन एक्स और वाई फाइंड करो तो अब तो बहुत असंभव हो गया। क्यों क्यों हो गया? क्योंकि देखो इसका डिटरमिनेंट जीरो भी होगा वरना ये इनकंसिस्टेंट भी, क्योंकि दोनों गलत बातें बोल रहे हैं, ये और ये डिपेंडेंट सोल्यूशन आते हैं इधर। ठीक है, कैसे सोल्यूशन डिपेंडेंट, क्योंकि सोल्यूशन डिपेंड करने लगेंगे, तो बेसिक मतलब ये हो गया। अच्छा अब आगे चलते हैं, क्योंकि हमारे पास चार बातें थी, एक यूनिक सोल्यूशन, एक नो सोल्यूशन, एक इन्फिनिट मेनी सोल्यूशन और एक इसी प्रकार से नो सोल्यूशन। तो आप बात करें तो यहाँ पर फिर से हम आगे बढ़ जाएंगे इसमें दो बातें, कि अब हम इसमें एक और बात करेंगे कि सोल्यूशन कब आएंगे, कब कैसे आएंगे। तो अगर आपका रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स रैंक ऑफ ए के बराबर है, साथ साथ एन के भी बराबर है, एन कौन था, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, अगर ये तीनों आपस में बराबर आएंगे तो आपका यहां पर यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। यानी कि सेम कॉन्सेप्ट, सब कुछ सेम, बस अप्रोच दूसरा। और अगर आपका यहां पर रैंक तो बराबर है, पहले लिया है बराबर, लेकिन साथ साथ ये लेस देन एन हो गया, यानी कि एन से छोटा, नंबर ऑफ वेरिएबल से छोटा, छोटा होने का मतलब तुम समझिए गए मॉड ए जीरो हुआ होगा। ठीक है, आप इन शॉर्ट ऐसे समझिए, इज इट क्लियर। तो यहां पर आपके इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन आने लगते हैं, या फिर हम बोल देते हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। कैसे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, एक मिनट, रैंक तो दोनों का बराबर है, लेस देन, हाँ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अच्छा इधर देख लेते हैं, तो इधर भी दो बातें आपकी हो जाएंगी, कि अगर आप देखें कि ये दोनों बराबर तो है ही नहीं, तो यहां पर आपके सॉल्यूशन कैसे कैसे एग्जिस्ट करते हैं, पहला तो नो सॉल्यूशन आ जाएगा, या फिर आपका ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो आप ज्यादातर यहां पर नो ही सॉल्यूशन लिखते हैं, हम नो सॉल्यूशन लिख के बात खत्म कर देते हैं, यहां पर भाई सॉल्यूशन ही नहीं आएगा, क्योंकि आपकी इनकंसिस्टेंट इक्वेशन है, यानी कि इनकंसिस्टेंट इक्वेशन इस तरह से। आप इन शॉर्ट इसको नो सॉल्यूशन को ऐसे भी सकते हो, रैंक कब बराबर नहीं होगी, जब मॉड ए जीरो हो गया होगा, यानी कि मॉड ए जीरो हो गया होगा तब भी नॉट सॉल्यूशन यहां पे। अगर डिटरमिनेंट से देख रहे हैं तो आपके पास दो अप्रोच है, एक तो डिटरमिनेंट से हम देख सकते हैं और एक है रैंक मेथड। तो रैंक वाले से हम अभी पीछे शुरू करते हैं। तो आई होप सिस्टम ऑफ इक्वेशन का एक दूसरा अप्रोच आपको कंसिस्टेंट इक्वेशन इनकंसिस्टेंट कैसी होती है क्या होती है आपको समझ में आ गया। अब इसको हम क्वेश्चन में यूज करते हैं। आइए, जैसा कि ये क्वेश्चन चल ही रहा था बीच में, एकदम से मुझे लगा कि मैंने नहीं बताया है, तो आप ट्राई करेंगे रैंक के लिए, फाइट करेंगे रैंक के लिए, ट्राई क्या करेंगे कि ये सब लोग जीरो बन जाए, लोअर ट्राइंगल जीरो बने, तो ठीक है। तो आप ऑपरेशंस इसमें लगाना की कोशिश करेंगे, जैसे पहला मैं अगर डायरेक्ट इसको हटा दूं तो ये तो जीरो बन गया, और ये भी हटा दिया तो जीरो बन गया, यानी कि दो ऑपरेशन लगा देते हैं, आर टू टेंडिंग टू आर टू माइनस आर वन एंड आर थ्री टेंडिंग टू आर थ्री माइनस आर वन, फटाफट देखते हैं क्या बना। ये ऑपरेशन लगाते ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स मिल रहा है आपका, आर वन फिक्स कर देते हैं 1 1 1 6, और यहां पर बात करेंगे 1 2 3, तो ये जीरो हो गया, 2 माइनस 1, जल्दी से बोलिए, आर टू से आर वन घटा रहे हैं, 2 माइनस 1 1 3 माइनस 1 2, और 10 में से 6 गया 4। अच्छा इधर देखिए, 1 में से 1 गया 0, 2 में से भी 1 गया 1, और लैम्डा माइनस 1, और यहां पर म्यू माइनस 6, तो म्यू माइनस 6, तो आपको ये कर लिया। अब अगेन आपको मैंने पहले ही बताया, आपको जीरो कहां बनाने, पहले इस पोजीशन पे जीरो बनाने, देन इस पोजीशन पे जीरो बनाने, देन इस पोजीशन पे जीरो बनाने, ठीक है। इस पोजीशन पे जीरो बनाने के लिए अब इसको इससे घटा दें तो हमारा हो जाएगा, यानी कि ऑपरेशन लगा देते हैं यहां पर, आर टू टेंडिंग टू आर टू माइनस, नहीं सॉरी, आर थ्री टेंडिंग टू आर थ्री माइनस आर टू, ठीक है। अगर हमने ये कर दिया तो ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स, वापस देखते हैं हमें क्या मिल रहा है, दो जीरो बना ही लिए हमने, 1 0 0, ठीक है, 1 माइनस 1 ये भी जीरो हुआ, नीचे की रो देख ले पहले, तो लैम्डा माइनस 3 हो रहा है क्या, तो लैम्डा माइनस 3 ऑगमेंटेड, ये इसमें से कटा तो म्यू माइनस 10, अच्छा बाकी सब कुछ चेंज हुए नहीं, तो 1 2 4 1 1, ठीक है। तो बेसिकली इतने यहां तक पहुंचने में कितना स्टेप लगा, एक या दो स्टेप लगा। अब आपके क्वेश्चन हो जाएंगे यहां से, पहला क्वेश्चन क्या है, पहले सवाल में हमें करना है नो सॉल्यूशन, आपको लैम्डा और म्यू कुछ इस प्रकार से बताने थे कि आपका सॉल्यूशन आए ही ना। तो पहला अगर नो सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो नो सॉल्यूशन के लिए अभी अभी आपने पढ़ा है कि रैंक भाई बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि ए बी और नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए। अब एक मिनट ध्यान दें, रैंक ऑफ ए अभी भी क्या बताया कि नॉन जीरो रोज होती है, कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज ऑफ एनी मैट्रिक्स इज नोन एज रैंक ऑफ मैट्रिक्स। अब आप देखें, ये आपका ए है और दोनों को मिलाकर बी बोल रहे हैं हम, है ना, ए ऑगमेंटेड बी। तो आप देखिए यहां पर रैंक आपका हमें कुछ इस प्रकार लेना पड़ेगा कि भाई इसका रैंक और इसका रैंक बराबर ही ना हो। तो एक मिनट ध्यान से देखते हैं, अगर मैंने लैम्डा माइनस 3 को भी हमारा अगर जीरो हो जाता, लैम्डा माइनस 3 भी जीरो हो जाता, तो ये कंप्लीट जीरो हो जाता,
कंप्लीट जीरो हो जाता, मतलब इसका रैंक दो रह जाता फिर, क्योंकि ए का रैंक कितना हो जाता दो, और ये जीरो नहीं होता तो कितना होता तीन। तो इस प्रकार से थोड़ा हम सोचेंगे, हम ये सोच रहे हैं रैंक कैसे बराबर ना आए दोनों का, यानी कि रैंक इसका और पूरे ऑगमेंटेड बी का दोनों का रैंक बराबर नहीं आना चाहिए। तो रैंक ऑफ ए अगर हम मान लेते हैं, यानी कि पहली चीज कि लैम्डा माइनस थ्री को बोले हम जीरो हो जाए क्या, तो लैम्डा माइनस थ्री को अगर हम जीरो बोला तो लैम्डा इज इक्वल टू थ्री हो गया, यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू थ्री जैसे ही पुट किया इसका एक रो कंप्लीट जीरो हो गया, यानी कि दो, यानी कि इसका रैंक हो गया अभी टू, यानी कि इसका रैंक कितना हो गया टू। अच्छा इसका रैंक देखते हैं, तो इसके लिए म्यू माइनस टेन को भी अगर आपने जीरो कर दिया, क्योंकि ये तो जीरो हो ही गया, तो इसका भी रैंक दो बन जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि म्यू माइनस टेन को जीरो नहीं होने देना है, यानी कि म्यू नॉट इक्वल टू। तो ऐसे कई सारे ऑप्शन भी आपको मिल सकते हैं जैसा मैंने यहाँ पर लिखा है, यानी कि नो सॉल्यूशन के लिए म्यू इज इक्वल टू टेन नहीं होना चाहिए। तो नहीं होना चाहिए यानी कि ये जिंदा रहेगा, तो इसका रैंक तो दो हो गया लेकिन इसका पूरे का रैंक तीन है, तो यानी कि तीन, तो नॉट इक्वल टू थ्री। ये आपकी नो सॉल्यूशन की कंडीशन यहाँ से बन जाती है। बात क्लियर। इसी सवाल में अब हम आगे देखेंगे कि यूनिक सॉल्यूशन कब होंगे। अब यहीं पर देख लीजिए, मैं यहीं बता देता हूं। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए बात करें, पहला दूसरा यूनिक सॉल्यूशन, तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या करना पड़ेगा, यूनिक सॉल्यूशन के लिए आपकी कंडीशन होगी, यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती थी, रैंक ऑफ ए बी बराबर हो और साथ साथ एन के भी बराबर हो। ठीक है, किसके बराबर हो, एन के भी बराबर हो। तो अगर एन के भी बराबर लेना है, एन आपका कितना है वेक्टर, नंबर ऑफ वेक्टर्स तीन, तो तीन, यानी कि रैंक तीनों का तीन आना चाहिए, दोनों का तीन, तो रैंक तो अपना तीन आना चाहिए। तो आप सोचेंगे क्या करना पड़ेगा फिर रैंक तीन लाने के लिए, यानी कि इसको भी नॉन जीरो, इसको भी नॉन जीरो होना चाहिए। या फिर ऐसे समझिए, अगर आपका ये नॉन जीरो नहीं, ये नॉन जीरो रहा और ये जीरो भी हो गया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो इसका मतलब ये लिख सकते हैं हम, लैम्डा माइनस थ्री इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि लैम्डा इज नॉट इक्वल टू थ्री, इसको अगर हमने और म्यू फिर लाइज इन आर, फिर कुछ भी हो जाए, तो आपका दूसरा आंसर ये हो जाता है कि लैम्डा अगर थ्री नहीं हुआ तो इसका रैंक भी तीन है, और म्यू फिर अगर क्योंकि ये जीरो नहीं हुआ है तो आपका उसकी रो में ए ऑगमेंटेड बी में भी ये आ रहा है, तो फिर वो भी हो गया, तो म्यू कुछ भी हो जाए फिर, तो आपका ये हो गया। तो आपके आंसर थोड़ा थोड़ा बदल रहे हैं, ठीक है, ये आपके ऑप्शंस में लगाए जाते हैं। इसी प्रकार अगला हम अगर इन्फाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस पे चलें, तो आप ही बताइए, इन्फाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस के पीछे कंडीशन लिखी है हमने, क्या कंडीशन लिखी है इन्फाइनाइट मैनी, ये रही कि रैंक तो बराबर है लेकिन लेस देन एन है, यानी कि तीन से छोटा होना चाहिए। एन कौन होता है, वेरिएबल्स, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, तो तीन से छोटा लाना है, तो तीन से छोटा लाना है, दोनों का रैंक बराबर भी हो, तीन से छोटा, यानी कि ये भी जीरो ये भी जीरो, यानी कि रैंक तो दो हो गया, दोनों का आपस में बराबर भी है। तो यहां से इन्फाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए आप देखेंगे, ठीक है, फिर आते हैं इस सवाल पर। तो फॉर इन्फाइनाइट मैनी सॉल्यूशन लिख देंगे थर्ड, जल्दी से कंडीशन दिमाग में रिकॉल कीजिए, क्या कंडीशन लिखी है हमने, रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बट लेस देन एन, और एन आपका तीन है तो यहां पर दो कंसिडर कर सकता हूं, मान लीजिए वो कहना चाह रहे हैं दो हो जाए। तो इसके लिए आप पीछे अगर मैट्रिक्स पर देखें, ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स पर देखें, तो ये भी चीज जीरो कर दो, ये भी चीज जीरो कर दो, तो इसका मतलब ये है कि लैम्डा माइनस थ्री को भी आज जीरो होना पड़ेगा और म्यू माइनस टेन को भी आज जीरो होना पड़ेगा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का, यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू थ्री एंड म्यू इज इक्वल टू टेन। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाता है रैंक के आधार पर। तो आप वापस चलते हैं, तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आपने आज पढ़ा है, वापस देखें तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो आपने पढ़ा, तो पहले तो आपने सीखा एक बेसिक मेथड जो आपका हर कोई करता है, ये मेथड एडजॉइंट एन टू बी ये जीरो हो जाए, ये भी मैंने पूरा आपको समझाया है कि कैसे काम करता है और इसको अप्लाई भी किया है। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन क्योंकि ये थोड़ा टाइम टेकिंग है, उससे बेटर है कि आप रैंक वाले से कर लें, रैंक ऑफ मैट्रिक्स आपने जान लिया और उसके बाद ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की मदद से हम वैल्यूज बता पा रहे हैं कि कोई भी अननोन क्या होंगे, यानी ये काम कब करता है, जब दो दो आपके अननोन पूछे जाएं। चलिए जैसे कि एक क्वेश्चन पर आ जाते हैं, अब अगला क्वेश्चन अब ले लेते हैं, ये क्वेश्चन इसी क्वेश्चन पर बात कर रहे थे। देखिए इसके दो अप्रोच मैं कर सकता हूँ, एक है थोड़ा डायरेक्ट इन्फाइनाइट मैनी तो बोल ही रहा है, तो मैंने जैसे पढ़ा है कि मॉड ए जीरो कर दो, तो आप कर दोगे जीरो, तो उससे क्या होगा आपका लैम्डा मिलेगा सिर्फ, लेकिन म्यू के बारे में क्या ख्याल है फिर, तो म्यू नहीं आ रहा है। तो आप इसको ऐसे क्वेश्चन जब तक दो दो आ जाए अननोन, तो आपको इसको ऑगमेंटेड से करें, बहुत फटाफट बन जाएगा आपका। तो ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स आप लिख लीजिए इसका फटाफट, तो मैट्रिक्स लिख लेते हैं 1 1 1 जैसा कि अभी लिखा, 5 1 2 2 6 1 3 लैम्डा म्यू। ठीक है, अब आप क्या ट्राई करेंगे, एलिमेंट्री ट्रांसपोजिशन ट्राई करेंगे,
तीन लोगों को जीरो करने का, एक वन ये पोजीशन पर जीरो चाहिए, दूसरी पोजीशन पर जीरो चाहिए, तीसरी पोजीशन पर जीरो चाहिए, तो ये तीनों को जीरो बनाओ भाई। तो इसके लिए आपके पास डायरेक्ट पहला है कि ये दोनों तो जीरो बन ही रहे एक ही स्टेप में, कि आर टू टेंडिंग टू आर टू माइनस आर वन, आर वन को फिक्स किया जाए, आर थ्री को भी कुछ आर थ्री माइनस आर वन कर दिया जाए। तो दोनों ऑपरेशन में फटाफट अप्लाई कर देता हूं। देखिए कहां पहुंचे फिर, ओके फिक्स हो गया, पहली रो फिक्स, आर टू लिख रहे हैं हम, आर टू से आर वन को घटा कर जीरो, टू माइनस वन वन, टू माइनस वन वन, छह माइनस पांच कितना होता है वन। अच्छा इधर ये भी घटा कर लीजिए, जीरो, थ्री माइनस वन टू, लैम्डा माइनस टू, लैम्डा माइनस वन, आर वन से घटा रहे ठीक है, और म्यू माइनस फाइव, तो म्यू माइनस फाइव। अभी यहां तक पहुंचे, अभी मेरा टारगेट क्या है फिर से मैं बताता हूँ। अब दो जीरो बनी चुके हैं, ये वाला भी जीरो अप कर लो, ये जीरो भी चाहिए, ये भी जीरो चाहिए। तो अब क्या करें, अब जीरो बनाने के लिए आर वन का रोल नहीं, अब आर टू से करेंगे हम। तो हम लिख रहे हैं आर थ्री टेंडिंग टू आर थ्री माइनस टू आर टू, दो गुना करके घटा देते हैं, घटाइए भाई, सॉल्व कर लेते हैं, वन 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 फाइव जीरो, ये कोई फर्क नहीं पड़ा, ऐसे ही रहा। अच्छा इधर ये जीरो, जीरो से घटा तो टू टाइम्स करके घटा है, तो ये भी अब जीरो बना लिया मैंने, टू टाइम्स यानी कि लैम्डा माइनस थ्री ठीक है, लैम्डा माइनस थ्री, और ये म्यू माइनस टू फाइव, तो म्यू माइनस पांच, दो दो सात हो जाएगा क्या, यस बिल्कुल। अब आ जाओ क्या पूछ रहे थे फिर, आप पीछे चलते हैं, क्या पूछ रहे थे, लैम्डा प्लस म्यू चाहिए जबकि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन अब हम रैंक से देख रहे हैं, इनफाइनाइट मैनी जब ही होगा जब इसका रैंक बराबर तो हो बट लेस देन थ्री हो जाए, लेस देन थ्री बोले तो टू, यानी कि इसको भी आज जीरो होना पड़ेगा, इसको भी जीरो होना पड़ेगा, यानी कि फटाफट आपकी वैल्यू दिख रही होगी, लैम्डा इक्वल टू थ्री, म्यू इक्वल टू सेवन, तो फाइनल आंसर इज टेन। कितना आसान सवाल, तो आप इससे जाएंगे तो आपका कम टाइम लगेगा, वरना आप डिटर्मिनेंट काट के भी जा रहे हैं तो भी हो जाएगा, और फिर अगर म्यू आप निकालना चाहेंगे तो आपको फिर एडजॉइंट ए इनटू बी पर जाना पड़ेगा, जैसा हमने पिछले कॉन्सेप्ट में किया था उसमें। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, अगला फिर से सेम कहानी, आप भी इसको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से कर ले भाई, ज्यादा उचित रहेगा, क्योंकि एक से ज्यादा अननोन जब आ जाते हैं तो डिटर्मिनेंट वाला काम नहीं कर रहा, जैसा आप पिछले देखा, ज्यादा अच्छा कैसा होता है उसमें फंसने जैसा हो जाता है। तो मैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से चल लेता हूँ, ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स, मुझे यही अच्छा लगता है ठीक है, एक अननोन हो तो सही है ठीक है, लेकिन अगर आपके पास एक से अधिक अननोन है तो आपके पास फिर एक ये मेथड बचता है, वरना और भी कैसा है, कई लोग इसमें इक्वेशंस में भी ट्राई करके ले लेते हैं। चलिए आइए, तो हम ट्राई करेंगे फिर से अपना ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स के जैसा, कि हम ट्राई करेंगे ये जीरो हो जाए, ये जीरो हो जाए, और ये जीरो हो जाए ठीक है, और ये भी जीरो हो जाए, कोशिश कर हमारी यही रहेगी। अच्छा कैसे बोल रहे हैं, सोल्यूशन कैसे है, नॉन जीरो रियल नंबर्स हैज मोर देन वन सॉल्यूशन, कितने सॉल्यूशन, मोर देन वन सॉल्यूशन, मोर देन मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब है ना, रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड उनके आपस में रैंक ही बराबर नहीं होनी चाहिए। तो आओ बनाने की कोशिश करते हैं, तो आर वन को फिक्स कर देता हूं मैं, थोड़ा साथ में रहिए एक मिनट बस ठीक है, तो आर वन फिक्स किया है, तो आर थ्री टेंडिंग टू, देखना एक मिनट, आर थ्री टेंडिंग टू आर थ्री, इसमें से घटाने, तो आर थ्री माइनस हाफ आर वन लिख रहा हूं मैं ठीक है, एंड तो मुझे ये जीरो मिल गया, ये जीरो रह गया, तो आर टू टेंडिंग टू आर टू माइनस थ्री बाई टू, थ्री बाई टू आर वन, देख लेते थ्री बाई टू, थ्री थ्री बन जाएगा, यस बिल्कुल बन गया। तो थोड़ा सिंप्लीफाई करते वक्त मेरा सहयोग करें आप लोग ठीक है, तो ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स, बाकी आंसर आ जाएगा एक लाइन में ही, थोड़ा बस काम करना है। तो आर थ्री माइनस हाफ आर टू, तो टू टू थ्री ए बैठा है, ये देखते हैं थ्री बाई टू हुआ है भाई, तो इसको थ्री बाई टू आप देख लीजिए, इसको थ्री बाई टू आप मल्टीप्लीकेशन जैसा समझिए, तो ये भी थ्री है, ये भी थ्री है, और माइनस का थ्री है, तो ये तो जीरो हो गया। अच्छा लेकिन इधर क्या है, माइनस वन माइनस थ्री हो जाएगा, तो माइनस वन माइनस थ्री माइनस फोर होता है, और इधर कितना हो जाएगा फाइव, फाइव माइनस फाइव माइनस देख लेते हैं, थोड़ा रफ कर लेना, फाइव माइनस तीन तेन नाइन बाई टू, पाँच दूना दस माइनस एक नाइन, वन बाई टू, तो वन बाई टू बचा है यहाँ पर, और ये कितना हो जाएगा बी माइनस थ्री बाई टू ए। चलिए अगला चलते हैं, घटाओ इसमें से टू टाइम्स किया जीरो, वन बाई टू टाइम्स कर रहे हैं,
माइनस थ्री वन बाई टू लगाया उधर, तो वन बाई टू लगाया है तो वन बचा माइनस थ्री, माइनस वन आ जाएगा, माइनस फोर, ठीक है, अगेन बहुत बढ़िया। अगला टू माइनस हाफ, यानी कि दो में से थ्री बाई टू घटा दो भाई, तो दो में से थ्री बाई टू बोले तो हाफ ही बचता है, तो वन बाई टू, और इधर क्या बचेगा, इसमें से इसको घटाएंगे ये, तो सी माइनस ए बाई टू, तो सी माइनस ए बाई टू, ठीक है। अब हम कोशिश करेंगे कि ये भी जीरो बन जाए, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट कर लीजिए कि आर थ्री टेंडिंग टू आर थ्री माइनस आर टू, दिख ही रहा है कितना अच्छा, तो खटाखट जीरो ही बन जाएंगे। तो ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स आपका जो प्राप्त हो रहा है, टू टू थ्री ए जीरो माइनस फोर वन बाय टू, बी माइनस थ्री बाय टू ए, थोड़ी देर रुकिए, बस रुकिए रुकिए रुकिए, ये हो गया। अच्छा इसको घटा दो, सी माइनस ए बाई टू माइनस थ्री बाई टू ए, क्या रुको 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 रुको, ओ ये एलिमेंट मैं यहाँ लिख देता हूँ, जगह कम पड़ रही है थोड़ी सी, तो जो लास्ट एलिमेंट आएगा यही क्योंकि काम करने वाला है, तो ये एलिमेंट मैं यहाँ पर लिख दूँ, तो एलिमेंट आ रहा है इसमें से इसको घटाया, तो सी माइनस ए बाई टू माइनस बी प्लस थ्री बाई टू ए, ठीक है, एलिमेंट यहाँ आया। अगर अच्छा कह रहे थे मोर देन वन, तो फिर रैंक दोनों का बराबर नहीं होना चाहिए, सॉरी मोर देन इनफाइनाइट, हाँ रैंक दोनों का बराबर होना चाहिए बट लेस देन, तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स बराबर रैंक ऑफ ए बट लेस देन एन, बोले तो थ्री से छोटा, तो यानी कि फिर देखो इसका रैंक तो दो हो ही चुका है, इसको भी जीरो होना पड़ेगा, दैट मीन्स इस चीज को पूरा जीरो कर दो आप, तो बस आपका आंसर आ जाएगा, तो सी माइनस ए बाई टू है ये, ठीक है, तो सी माइनस ए बाई टू और ये थ्री बाई टू, वो डेढ़ और ये आधा, तो पूरा बचा है ना वह, तो आ रहा है सी प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू जीरो, है कोई ऑप्शन में, सी प्लस ए माइनस बी, सी प्लस ए माइनस बी, या उल्टा भी हो सकता है, या दूसरा इसका ऑप्शन ये हो सकता है बी माइनस सी माइनस ए इज इक्वल टू जीरो, कोई है, हाँ बिल्कुल ये ऑप्शन है। चलिए तो ये भी सवाल आपका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स से ही मैंने सॉल्व कर, देखिए आप सॉल्यूशन में जाएंगे तो हो सकता है आपको इस मेथड से ना सॉल्व कराएं, लेकिन मेरा कहना यह है कि अगर आपको एक से अधिक अननोन देते हैं तो ये मेथड बहुत अच्छा है, आसान भी है, ठीक है, और वरना एक में एक अगर आ रहा है, एक अननोन आता है तो आप डायरेक्ट डिटर्मिनेंट जीरो करके ले आते हैं इन्फिनिट मैनी, और ज्यादातर आप ये देखिए सारे सवाल इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशन, तो आप देखिए फिर से इसमें जैसे अल्फा बीटा जेड ऐसा मांग रहे हैं, तो आप मुझे लगता है अब ये कर ही सकते, भी बता देते हैं, तो पहला ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स फटाफट काट देता हूं मैं, वन वन वन, ऐसे बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं, आप एक बार प्रीवियस ईयर ओपन करें और उन सवालों को देखें। अच्छा इस रो को मैं लास्ट में लिखता हूँ, वन थ्री ये लास्ट वाली, दूसरी रो क्या है, वन टू थ्री नाइन, जो अननोन है जिसमें उसको लास्ट में, वन थ्री अल्फा और बीटा, तो बिल्कुल ये फिर भी बिल्कुल वैसे ही सवाल है फिर से, तो फिर से आप जीरो कोशिश करें बनाएं, तो यहाँ जीरो पहले, तो आर टू टेंडिंग टू आर टू माइनस आर वन एंड आर थ्री टेंडिंग टू आर थ्री माइनस आर वन, तो कितना आसान है, मैं खटाखट एक पे कर दूँ, चलो अच्छा ये देख लेते हैं, तो ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स विल बी वन वन वन, फटाफट यहाँ देखें ये घट गया जीरो, टू माइनस वन वन थ्री माइनस वन टू नाइन माइनस फाइव फोर, और वन माइनस वन जीरो थ्री माइनस टू वन अल्फा माइनस थ्री, एक मिनट एक मिनट, जल्दबाजी में गड़बड़ नहीं, वन माइनस वन जीरो टू माइनस वन वन थ्री माइनस वन टू नाइन माइनस फाइव फोर, वन माइनस वन जीरो थ्री माइनस वन टू अल्फा माइनस वन, गड़बड़ हो जाता है, और बीटा माइनस फाइव, ठीक है यहाँ तक पहुँचे। अब हमारा टारगेट क्या रहेगा, अब हमारा टारगेट ये जीरो बन जाए, ठीक है तीन जीरो बनाने बस, तो ये जीरो कैसे बन सकता है, टू टाइम्स करके इससे घटा दो, या इससे इससे मत घटाना, इससे घटाना, तो दूसरी बार आर टू को ऑपरेट करेंगे, पहली बार में आर वन फिक्स, अब आर टू को फिक्स करते हैं, तो अब आर थ्री टेंडिंग टू आर थ्री माइनस टू आर टू, बोलो टू आर टू, तो क्या मैट्रिक्स मिलेगा, फिर से देखें फटाफट, तो पहली रो को कोई चेंज नहीं, दूसरी रो को भी कोई चेंज नहीं, दूसरी रो में ये जीरो बन गया क्या, दो टाइम करके गया, अच्छा ये टू टाइम्स हुआ है तो चार हो गया, तो अल्फा माइनस फाइव हो गया क्या, इंटू ये दो गुना हुआ है एट हो गया, तो आठ पाँच तेरह, यानी कि बीटा माइनस थर्टीन, तो आप अब बताइए इन्फाइनाइट मैनी सॉल्यूशन कब आएंगे आपके, इन्फाइनाइट मैनी सॉल्यूशन जब आएंगे जब ये भी आदमी जीरो हो जाए और ये भी जीरो हो जाए, है ना, रैंक दोनों का तो बराबर बट लेस देन एन, तो बीटा इज इक्वल टू थर्टीन, तो कितना आसान क्वेश्चन है, अब आप पूछो क्या पूछ रहे हो, तो पूछ रहे हैं बीटा में से अल्फा घटा दो, तेरह से पाँच जाता है कितना बचता है, तेरह पाँच में से पाँच गया कितना बचा, एट, आठ पाँच तेरह ना एट बचता है, आंसर हो गया।
क्लियर? तो दो दो स्टेप के आपके सवाल ऐसे पूछ जाते हैं। तो मैं फिर से बोलूंगा, आपके ज़्यादातर सवाल दो दो अननोन या तीन तीन के हैं, तो आप ये मेथड आप ज़्यादा यूज़ करें एज कम्पेयर टू वो जो कन्वेंशनल मेथड है, फॉर्मूला मेथड है, उसमें कई बार आप फंस सकते हैं, ठीक है, और टाइम टेकिंग भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे कई सारे सवाल हैं, जैसे ये सवाल है, या इसके आगे भी और भी सवाल मिलेंगे आपको, आप कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन है ना, हैज नॉन जीरो देन एक्स जेड बाई वाई स्क्वायर, क्या कह रहे हैं एक्स जेड बाई वाई स्क्वायर। अच्छा पहले तो उसमें के ढूंढ लो, हैज ए नॉन जीरो सोल्यूशन एक्स वाई जेड देन एक्स जेड। अच्छा आप ध्यान से देखें, तो जैसे कई बार कैसा होता है, इसमें डी उधर की तरफ कुछ दिया ही नहीं है, तो इसका आप डायरेक्ट डिटर्मिनेंट ए जीरो भी करके चल सकते हो। तो पहले के फाइंड कर लें आप, तो वन के थ्री, थ्री के माइनस टू एंड टू फोर माइनस थ्री, ठीक है। आप इसको जीरो करेंगे, यहां से के फाइंड कर लेंगे। अब जो भी के आ जाए, के फाइंड करने के बाद देखिए यहां पर कैसा है, बस एक्स जेड अपॉन वाई स्क्वायर पूछ रहा है, यानी कि आपको एक्स अलग सेपरेट फाइंड करना है, जेड अलग फाइंड करना है और वाई भी अलग फाइंड करना है। तो दोनों को अलग अलग फिर फाइंड करेंगे। आपकी जब कंप्लीट इक्वेशन बन जाएंगी वहां पर, तो आप एडिशन सब्ट्रैक्शन करके भी ला सकते हैं। वैसे मैं डायरेक्ट भी दिखा देता हूँ कि के वाई दोनों में सेम है। अगर आप इन दोनों को घटा ही दें, यहाँ पर देखो यहाँ पर से घटा दें, डायरेक्ट दिख रहा है, कुछ आपका ऑब्जर्वेशन खुद का होना चाहिए। तो आप जब दोनों को घटा दें, तो जैसे 3x प्लस के वाई माइनस 2z, वो तो आप करोगे ही, के तो निकाल ही लोगे वहां से, मैं वो नहीं बोल रहा आपको, ठीक है। तो x प्लस के वाई प्लस 3z, अगर आप डायरेक्ट भी घटा दें तो देखो y का रोल इसमें से घट गया, तो आप इस डायरेक्ट सॉल्व भी कर सकते हैं। कई बार के वाई था यहाँ पर, है ना, तो ये हो गया 2x, और यहाँ पर जो भी बचे 2x माइनस 5z, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो। यानी कि x और z में यहाँ पर बेसिकली डिपेंडेंट सॉल्यूशन आएंगे। क्या है ये, क्यों पूछा गया है ये, पूछने का रीजन इसका यही है कि यहाँ पर डिपेंडेंट सॉल्यूशंस आपके बन रहे हैं, और फिर आप x, z और y सब निकाल सकते हैं, यहाँ पर डिपेंडेंट सॉल्यूशन है, क्योंकि आपने डिटर्मिनेंट को जीरो किया, दैट मीन्स डिपेंडेंट सॉल्यूशन, यहाँ से k एक वैल्यू आप फाइंड कर लीजिएगा और आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया है, रैंक वगैरह, ठीक है। तो ऐसे करके आप कई सारे सवाल सॉल्व कर सकते हैं, हमने कई सारे सवाल भी किए। अब प्रीवियस उठाइए एक बार, जेई का उठाइए, गेट का उठाइए, बहुत सारे सवाल भरे पड़े हैं, रैंक के सवाल है, उसमें रैंक फाइंड करने के सवाल हैं। दूसरा आज के लिए कैसा है, लेक्चर बहुत लंबा हो रहा है, और एक और थ्योरम बची है, कैले हैमिल्टन थ्योरम, बहुत यूज़ है, हालांकि ये आईआईटी जेई जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जेई वालों के लिए कम है यूज़, लेकिन फिर भी छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपके लिए भी बहुत सारा यूज़ है, क्योंकि बहुत सारी बुक्स में सवाल देखे हैं मैंने। तो वो हम अगले लेक्चर में करेंगे, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, वो छोटा ही लेक्चर रहेगा। तो यहाँ तक देख लीजिए आप, और पूरे जितने भी आज हैं, आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आएगा, और हमने देखते हुए बहुत सारी कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है। मेरा पर्पस आज ये था कि आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सिखाना। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैंने दो बातें बताई आपको, एडजॉइंट इनटू बी से, हाँ ये है, इसका सवाल मैंने नहीं किया, क्योंकि एडजॉइंट इनटू बी आप करके पूरा सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, वो आपको किसी भी बुक में मिल जाएगा सॉल्यूशन, तो वो मैंने खुद से नहीं किया। फिर बाकी प्रॉपर्टीज ऑफ ए इनवर्स, ये भी आप बुक में पढ़ सकते हैं, कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं ए इनवर्स में, कैसे काम करता है, कैसे वर्क करता है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, कुछ रिजल्ट्स मैंने बताया आपको डिटरमिनेंट के, याद रखिएगा, वरना आपको सवाल ये परेशान कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, हम कैले हैमिल्टन नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, और प्रीवियस ईयर जेई तो हमने कर ही लिया। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी अपनी तरफ से पूरे प्रीवियस ईयर करेंगे क्वेश्चंस, और अच्छी तरह से प्रिपरेशन करेंगे, और मैट्रिक्स इस तरह से पूरा अच्छा चैप्टर है, बहुत आसान है, और आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू सो मच, देखते रहिए।